आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते। किम छो? आप सभी से निवेदन, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं और हमारे साथ साथ मनी मन प्रार्थना दोहराएं। ओ आप सभी को पुनः सादर प्रणाम। इस समग्र कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करने वाले आदरणीय भाई वीरेन जी, तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाले भाई श्री अंकित जी, और इस प्रशिक्षण के दौरान आपने शिक्षण और प्रदर्शन से योग के क्रियात्मक ज्ञान विज्ञान हमें बताने वाले डॉक्टर ब्रजेश जी, और आपने उत्साह, जुनून और जिज्ञासाओं के साथ हमारा ज्ञान अभिवर्धन करने वाले, हमें मोटिवेशन प्रदान करने वाले सभी योग साधक साधिकागण, आप सभी को मैं आज की कक्षा में पशुपति वेलनेस सेंटर और आदर्श भारत की तरफ से हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करता हूँ। साथियों, हम लोग योग थेरापेटिक्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमारे 5 पेपर हैं, उन पेपर में से बेसिक्स ऑफ योग एंड हट योग में सत्संग कुछ दिनों से करते चले आ रहे हैं। तो इससे पहले हमने हट योग और इसके अंदर की क्रियात्मक अभ्यास है, इसके अंग, और उसमें भी विशेष रूप से जो हट योग का पहला अंग है शुद्धि क्रियाएं, उनके बारे में चर्चा की है हमने। उनकी शास्त्रीय अवधारणा, उनके ज्ञान विज्ञान क्रियात्मक पहलू और कुछ हद तक उनके प्रिवेंटिव और थेरापेटिक पॉइंट को भी आपके सारी साझेदारी किया है, ताकि आगे योग के थेरापेटिक प्रिस्क्रिप्शन में हमें ये सभी अभ्यास का ज्ञान विज्ञान याद रहे और इनसे संबंधित कौशल और पात्रता हमारे पास हो। तो योग के अभ्यास के लिए कुछ जीवन में हमें वातावरण जन्य सेटिंग्स और आहार विहार और कुछ सोशल साइकोलॉजिकल क्वालिटीज यानी पात्रताओं को भी जीवन में धारण करना होता है। जब तक हम प्रॉपर एनवायरमेंटल सेटिंग, प्रॉपर डाइट एंड डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन और सोशल एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज को ध्यान नहीं देते, तब तक हमें योग का और योग चिकित्सा का दोनों का लाभ अपेक्षित मिल नहीं पाता है। तो आपके पहले पेपर के निर्धारित कंटेंट मुताबिक आज हम योग के एनवायरमेंटल, डाइटरी और साइकोलॉजिकल, आई हैव टू से साइकोसोशल सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो विषय वस्तु को मैं स्लाइड शेयर से आगे बढ़ाता हूं। अंकित भाई, यस सर, परफेक्ट दिख रहा है और आवाज भी परफेक्ट। वेरी गुड। सो साथियों, हठ योग शरीर, प्राण और मन के शुद्धि और सिद्धि यानी समग्र स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए योग की महत्वपूर्ण विधा है, जिसकी चर्चा हम कुछ दिनों से करते चले आ रहे हैं। शुद्धि क्रिया के सत्संग समापन के बाद आज हमारा विषय प्रवेश योग के एनवायरमेंटल सेटिंग, डाइट और डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन और साइकोसोशल क्वालिटीज के बारे में हो चुका है। हठयोग शास्त्र में बेसिकली
हठयोग प्रदीपिका में आप देखते हैं तो ऋषि योग के लिए आवश्यक इन्वायरमेंट को इस तरह से श्लोक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सुराज्य धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु परवान पर्यंतम शिलाग निर्जल वर्जिते एकांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठयोगिना। तो ये कुछ छोटी छोटी संस्कृत है, मैं भी संस्कृत का स्कॉलर हूँ नहीं तो आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बात है संस्कृत में हम पढ़ लेते हैं तो अच्छा लगता है क्योंकि योग का जो ओरिजिनल ज्ञान है संस्कृत में है। हाँ भी कहते हैं कि योग के अभ्यास के लिए हम जो देश को जिस प्रांत को चुनते हैं वहां पे सुशासन होना चाहिए, दैट इज यू नो शुड बी ऑप्टिमली गवर्न, सुशासन एंड गुड गवर्नेंस। वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी भी सुशासन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस उनके शासन का एक मूल मंत्र और सिद्धांत है सुशासन, जहाँ पे किसी भी तरह राजनीतिक अस्थिरता न हो, पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट इस तरह के वातावरण न हो, ऐसा हमें सुशासन से युक्त क्षेत्र या प्रदेश चाहिए। दूसरी बात ऋषि करते हैं सामाजिक वातावरण के बारे में, यानी जिस क्षेत्र में जिस देश में हम योग की बात अभ्यास करते हैं वहाँ के समाज के लोग धार्मिक होना चाहिए, उनके अंदर धर्म संस्कृति परंपरा योग ऋषि मुनि के बारे में श्रद्धा होना चाहिए ताकि आसानी से भिक्षा मिल सके। योगी का मतलब संग्रह करने वाला नहीं होता, योगी का मतलब अपरिग्रह ही होता है, योगी मतलब भगवान के भक्ति वंदना और आपने साधना में सतत तल्लीन नर का नारायण स्वरूप। तो ऐसे व्यक्ति संग्रह नहीं करते अपने गुजर बसर के लिए, इनको जो चीज चाहिए वो समाज इन्हें प्रदान करता है, समाज को ये अपने ज्ञान का दान देते हैं, समाज के उत्थान के लिए अपनी तपश्चर्या करते हैं। तो सुशासन से युक्त हो, वहाँ का वातावरण धार्मिक हो, मीन सोशल हार्मोनी हो, लोग आस्तिक प्रवृत्ति के हो और जहाँ आसानी से भिक्षा मिलती हो, इसी तरह से ऐसे जगह पे अपने योगी को अपने कम से कम 2 क्यूबिक फीट 4 क्यूबिक फीट इसका मतलब तकरीबन 2 मीटर होता है, धनु परमान पर्यंत यानी धोनी को लंबाई बराबर, अगर आज आप आज के मैट्रिक सिस्टम में बताना चाहेंगे तो ये कम से कम 2 मीटर की एरिया है, 2 मीटर धनु प्रमाण पर्यंत यानी धनु के बराबर की जगह जहाँ पे पत्थर ना हो, अग्नि ना हो और वो एरिया में शोर ना हो, शांत हो, एकांत हो, ऐसे जगह पे अपनी योगा सेंटर और योग के मठ बना के योगी को अपना अभ्यास करने चाहिए। आई मीन द हट योगा शुड लिव इन अ यू नो सॉलिट्यूड यू नो इन द हट दैट इज फ्री फ्रॉम स्टोन्स फायर डैम्पनेस, जिसकी लंबाई करीब 4 क्यूबिट्स हो, तकरीबन 2 मीटर हो और जो सुशासन से युक्त हो, धर्मपरायण लोगों की नजदीक स्थित हो और ऐसे शांत और एकांत वातावरण में योगी को अपना योग साधना करना चाहिए। तो आप सोचेंगे आज के समय में हम कुटिया कहाँ बनाए, तो बीरेन भाई मेरे को बार बार कहते हैं कुछ इसी कुटिया टाइप का उन्होंने नर्मदा का किनार बना रखा है, सुबह सुबह निष्काम भाव से जाके योगाभ्यास की क्लास लिया करते हैं। तो हम धनु के मापन के कुटिया तो इन दिनों नहीं बनाते, फिर की योगाभ्यास के लिए हमें ऐसे ही शांत एकांत वातावरण जहाँ पे बात पर्यावरण शुद्ध हो और सामाजिक सामंजस्यता हो, ऐसे जगह अच्छी मानी जाती है। अब हम चिकित्सा के दृष्टिकोण से योग पर्यावरण को पहचान करते हैं तो हमें इस तरह की क्राइटेरिया को विचार करनी चाहिए और सोचनी चाहिए। इसी तरह से ऋषि आगे कहते हैं कि जो आपकी योगा सेंटर है या आपकी योग करने के लिए हट है, कुटिया है, उसमें छोटी दरवाजा होना चाहिए और उसमें खिड़कियां नहीं होनी चाहिए,
चूहे आदि के उसमें होल्स नहीं होने चाहिए। उसका जो फर्श है ना तो ऊंचा होना चाहिए ना तो नीचा होना चाहिए, इसका मतलब समतल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। और उस जगह को हमें गाय के गोबर से भली भांति लिपना चाहिए, वो साफ होना चाहिए, चूहे और अन्य कीड़े आदि से मुक्त होना चाहिए, चारों तरफ से उसके फेंसिंग होना चाहिए, फेंस होना चाहिए, और उसके नजदीक में एक छोटा सा चबूतरा प्लेटफॉर्म होना चाहिए और एक पानी के कुएं भी होनी चाहिए। तो ये ऋषि हठयोग की साधना अभ्यास के लिए एक जो पूर्व आवश्यकता है, इसकी प्री रेक्विजिट है, उसके बारे में बताते हैं। यानी योगा सेंटर शुड बी विथ स्मॉल डोर, हैविंग नो विंडोज, नो रैट होल्स, विथ प्लेन ग्राउंड प्लास्टर्ड बाय काउ डंग, दैट शुड बी क्लीन एंड इंसेक्ट एंड बग फ्री, और दैट शुड बी फेंस्ड बाय द हर्ब्स एंड द एप्रोप्रिएट प्लांट्स। अगर चारों तरफ जो फेंस है वो वनस्पतियों का हो तो ज्यादा अच्छा है। वहां पे एक छोटा सा चबूतरा होना चाहिए, पानी की कुएं होनी चाहिए। तो इस तरह से ऋषि हठयोग के लिए आवश्यक साधनात्मक वातावरण के बारे में हमें बताते हैं। तो ऐसे कुटिया में रह के, ऐसे योगा सेंटर में रह के, आज की भाषा में मैं बोलूं तो रेजॉर्ट भी हो सकता है, रह के इंसान को सभी चिंताओं से, सभी दुखों से मुक्त होके बड़े तन्मयता के साथ गुरु के मार्गदर्शन में योग का अभ्यास करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एंड कोटेबल पॉइंट। योगा प्रैक्टिस शुड नॉट बी अटेम्प्ट बाय वन सेल्फ, दैट शुड बी प्रॉपरली गाइडेड एंड प्रैक्टिस अंडर द गाइडेंस ऑफ एबल मेंटर। और इसके अतिरिक्त ऋषि आगे बताते हैं कि योग अभ्यास करने वाले साधक को, योग के चिकित्सा के अनुरागी को क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, कौन से ऐसे चीज है जो साधना में व्यवधान पहुंचा सकते हैं। ओवर ईटिंग यानी अत्यधिक आहार, ओवर एग्जर्शन अत्यधिक मेहनत, टॉकेटिंग टू मच यानी ज्यादा बातें करना, टॉकेटिवनेस, और इसी तरह से परफॉर्मिंग नीडलेस ऑस्टेरिटीज, आई मीन द एडेरिंग टू स्पेसिफिक रील्स, इसको हम योग की भाषा में नियमाग्रह बोलते हैं, यानी किसी परंपरा मान्यताएं ट्रेडिशन में चिपके चिपटे रहना, यानी स्टीरियोटाइप मानसिकता को रखना, ये है परफॉर्मिंग नीडलेस ऑस्टेरिटीज। यानी विवेक से ज्यादा परंपरा को महत्व देना, और कुछ मान्यता जो परंपरा पारिवारिक संस्कृति से चलती चली आ रही हो उसी में ही चिपके रहना, यानी विवेक को स्थान ना देना, ये है एडेरिंग टू रूल्स, दैट इज कॉल्ड नियमग्रह। इसी तरह से सोशलाइजिंग यानी जनसंपर्क में ज्यादा रहना, और मन की गति को उश्रृंगल बनाए रखना, यानी मन में 50 तरह के विचारों को लाना, भांति भांति की चीजों को याद करते रहना, ये योग के मार्ग में 6 बाधाएं हैं। दीज आर दे साइकोलॉजिकल सोशल एंड बिहेवियरल क्वालिटीज टू बी अवॉइडेड बाई द योगा प्रैक्टिशनर एंड बाय दोज हु आर पैशनेट टू गो थ्रू योगा प्रैक्टिस। लेट मी रिपीट वंस मोर, यानी ओवर ईटिंग, ओवर एग्जर्सन, टॉकेटिवनेस एंड द एडेरिंग टू रूल्स, हैविंग मोर सोशल कंपनी एंड मेंटल डिस्ट्रैक्शंस, द ओपनिंग ऑफ माइंड आर द 6 हर्डल्स इन द पाथ ऑफ योगा प्रैक्टिस। And the to the hurdles for yoga therapy। तो साथियों जरा आप इसको अपने हिसाब से आप विवेचन करने की कोशिश करिए। आज के जो हमारी साइकोलॉजिकल सोशल और बिहेवियरल प्रैक्टिस के साथ हम इसको कोरिलेट करके समझने की कोशिश करें। निसंदेह ओवर ईटिंग अच्छा नहीं है, हमने आपको पहले भी बताया है शायद, नहीं तो हम दोबारा बता रहे हैं। योग कहता है कि हमारे स्टमक को हमें 50% या 75% अधिकतम अपने आहार से भरनी चाहिए, 25% हमें हवा
और पानी आदि के सर्कुलेशन के लिए छोड़ना चाहिए। इसी तरह से ओवर एग्जर्शन, हमें कुछ ऐसे एक्सट्रेनियस एक्टिविटी भी नहीं करनी चाहिए जिसमें एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा हो और हठयोग साधना के लिए एनर्जी क्राइसिस में गुजरना पड़े। आपको पता है हठयोग के जो महत्वपूर्ण अभ्यास है, आसन और मुद्राएं, इनके अभ्यास के लिए हमें काफी एनर्जी की जरूरत होती है। तो योग अभ्यास करने वाले साधक को अत्यधिक थकान होने वाले कोई क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। टॉकिंग टू मच, अगेन, जो आदमी ज्यादा बहिर्मुखी है, ज्यादा बोलता रहता है, बातें करता रहता है, ये व्यक्ति भी योग के अंतरंग साधना में और योग के वास्तविक लाभ को नहीं प्राप्त कर सकता। जितना हम मौन रहें, यानी संयमतापूर्ण वाणी का यूज करें, बहुत जरूरी होने पे बातें करें, तो योग साधना के लिए ये अच्छा है। अत्यधिक बातें करना और चपर चपर करते रहना योग साधना के लिए नुकसानदायक है और बाधक है। इसी तरह से मैंने आपको पहले बता दिया कि एक सांस्कृतिक परंपरा, पारिवारिक मान्यता के हिसाब से किसी चीज में चिपके रहना, जी मैं बिना नहा के भोजन ही नहीं करूंगा, या मैं इस पूजा करने के बाद ही योग अभ्यास को करूंगा, या जो भी लोगों के इस तरह की मान्यताएं होती है, ऐसे मान्यताओं के प्रति बिना विवेक के प्रयोग करके चिपके रहना, ये भी योग साधना में बाधक है। योग साधक को फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, परिस्थिति के हिसाब से मनस्थिति बनानी चाहिए। वी शुड एबल टू एडजस्ट आवर माइंड सेट विद दी अवेलेबल इन्वायरमेंट रादर देन चेंजिंग इंटायर इन्वायरमेंट एज फॉर आवर माइंड सेट। यानी साथियों, मनुष्य की जीवन में परिस्थिति के हिसाब से मनस्थिति बनाई जाती है तो सुख मिलता है। अगर हम इसका उल्टा कोशिश करते हैं कि आप हमारी मनस्थिति के हिसाब से सारी परिस्थितियां बनाने की कोशिश करते हैं तो ये मुमकिन नहीं होता और दुनिया में कोई ऐसा नहीं कर पाया। इसीलिए हमें परिस्थिति के हिसाब से मनस्थिति को बनानी चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए और एडॉप्ट करना चाहिए। इसी तरह से ज्यादा लोक संपर्क में रहने वाला व्यक्ति, सबसे ज्यादा या सभी से ज्यादा घुलमिल करने वाला व्यक्ति भी योग के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। ऋषि कहता है कि वी हैव टू अवॉइड द सोशल कंपनी। इसी तरह से मन की अनियंत्रित वेग, यानी बहता हुआ मन, विक्षेप से बड़ा हुआ मन भी योग के मार्ग में बाधक है। तो आपको साफ पता चला होगा कि योग अभ्यास स्वयं करते समय और दूसरों को कराते समय हमें किस चीज को अवॉइड करनी चाहिए और अपने जीवन से परित्याग करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप तंत्र जा तंत्र में देखते हैं तो वहां पे योग के बाधक तत्व को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। काम, क्रोध, लेट मी हाईलाइट हियर, यानी काम दैट इज लस्ट, दे डिजायर ऑफ एक्सेसिव रोमांस, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीट, मोह, इन्फैचुएशन, अभिमान, प्राइड, मद, एरोगेंस, दीज आर दे अदर सिक्स ऑब्स्टैकल्स टू एडवांस इन योगिक जर्नी एज एक्सप्लेन इन तंत्रजा तंत्र, राइट? ये भी योग के बाधक तत्व है। बट ऑल दीज आर द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिसक्वालिटीज। मैं इससे पहले जो आपको बता रहा था उसमें बिहेवियरल भी थे, सोशल भी थे, लेकिन इसमें सारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिसक्वालिटीज हैं। ऑल दीज आर द साइकोलॉजिकल हर्डल्स टू प्रोसीड अहेड इन द योगिक जर्नी। मैं आगे बढ़ता हूं तो योगी के पास क्या होनी चाहिए, अब योग के मार्ग में क्या साधक तत्व हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। सो दीज आर द सपोर्टिव फैक्टर्स, एसेसरी फैक्टर्स टू गेट मोर बेनिफिट्स एंड टू गेट मोर एडवांसमेंट इन द पाथ ऑफ योगा प्रैक्टिस। नंबर वन, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञानाश्च निश्चयात् जनसंग परित्याग सर्वियोग प्रसिद्धति। यानी योग योग साधक को उत्साहित होना चाहिए, इंथुजियास्टिक होनी चाहिए योग के मार्ग में, योग के साधना में।
आगे बढ़ने के लिए उसके पास एक सेल्फ मोटिवेशन और उसके अंदर एक जुनून होनी चाहिए, तब जाके आदमी योग के मार्ग में शिक्षक द्वारा, गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान को सही से सीख सकता है। उसकी अपनी स्व अध्ययन की मनोवृत्ति बना रहती है, उसकी स्व अभ्यास की भावना बनी रहती है, तो उसके जीवन में योग अभ्यास की निरंतरता और नियमितता लंबे समय तक बनी रहती है, और ऐसा होने पे योग मार्ग में लाभ मिलता है, ऐसा हठयोग शास्त्र भी कहता है और योग के परम आचार्य परम ऋषि महर्षि पतंजलि भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्रे सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, यानी योग साधक को साधना में सिद्धि प्राप्ति के लिए लंबे समय तक निरंतर योग विद्या और योग के गुरु के प्रति सत्कार के भाव रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा पतंजलि योग सूत्र में योग के परम ऋषि पतंजलि का भी मत है। तो इंतजा ओपननेस, उत्साह, साहस, मैं इसी से समझाता हूँ, साहस यानी कॉरेज, यानी योग के मार्ग में आप आगे बढ़ते हैं तो हमें बहादुर बनना पड़ता है और हमें साहसी बनना पड़ता है, परंपराओं के अंध मान्यताओं के जाल से बाहर निकलने के लिए, पारिवारिक हर्डल्स से को आगे परास्त करने के लिए, सामाजिक अंतर्दृष्टि को के साथ एडॉप्टेशन करने के लिए। आपको पता होगा योग के मार्ग में आप आगे चलते हैं तो आपकी आहार विहार की तरीका बदल जाती है, आपकी जो निजी जिंदगी के व्यवहार होते हैं, भोग के तौर तरीके है, वो भी बदलने लगते हैं। तो ये जब हम इस तरह के परिवर्तन से गुजरने लगते हैं तो ये चीज को के प्रति विपरीत व्यवहार हमारे परिवार से शुरू हो जाते हैं और हमारी डाइट की हैबिट बदलने लगती है, हमारे जो भोग की तौर तरीके बदलने लगती है, तो इसमें परिवार से ही एक बाधा अड़चन शुरू हो जाता है। भगवान करे किसी को ऐसा सहयोगी परिवार मिला है तो उसको भाग्यशाली समझना चाहिए, परिवार ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी तौर तरीके, हमारे व्यवहार के परिवर्तन के कारण समाज के लोग भी हमें कमेंट करते हैं, टीका टिप्पणी करना शुरू करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे पास एक दिल्ली की बच्ची यहाँ पढ़ती थी, अनीता राजपूत, तो उसको बीच में बड़ा परेशानी हुई, उसने आके मुझसे शेयर किया, सर कि मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, मेरे को इन दिनों कुछ बिसात सा हो गया है, क्योंकि घर के सब लोग मुझे कहते हैं कि तो माता जी बन गई, बोलती भी नहीं है और पिज्जा बर्गर भी इसने खाना छोड़ दिया है, तो इसकी तो हरकत कुछ अजीबो गरीब हो गई, मुझे टोंट मारते रह जाए, मुझे कमेंट पास करते रहते हैं। तो मैंने उसे बोला, बेटा तेरे जीवन में तो तूने बहुत अच्छा किया, योग अभ्यास की निशानी और पहचान यही तो होनी चाहिए, अगर तुझे वो लोग ये कहते हैं कि हरिद्वार जाके भी इसकी हाल चाल तौर तरीके बोलने की खाने की कुछ नहीं बदली, वहीं की वहीं रह गई, तो तेरे लिए ये टोंट होता, तेरे लिए कमेंट होता, और ये तो तेरे लिए कौ है, कॉम्प्लीमेंट है, एप्रिसिएशन है। तो आप समझ सकते हैं जब आप योग के मार्ग में जाते हैं तो आपको एक प्रचलित परंपरा और बिहेवियर से हटके कुछ अभ्यास ही साधना होता है, करना होता है, तो उसके लिए साहस चाहिए। और उपनिषद कहता है, आत्मा निर्बलों को पर्याप्त नहीं होता, जो आदमी कायर है, जो जीवन में साहसी नहीं है, ऐसे व्यक्ति योग की साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, ये बातें उपनिषद भी कहता है। तो कॉरेज बहुत जरूरी होता है योग के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, ये सेक्रीफाइस चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, डिटर्मिनेशन चाहता है। इसी तरह से ऋषि आगे कहता है कि तत्व ज्ञान यानी डिस्क्रिमिनेटिव पावर होना चाहिए, यानी क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करनी चाहिए क्या हमें नहीं करनी चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है, इस चीज को परखने की डिस्क्रिमिनेटिव विजडम और पावर भी योग साधक के पास होनी चाहिए। इसके आगे तो इस ऋषि आगे कहते हैं कि हमारे पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एकदम फॉर्म डिटर्मिनेशन, हमने जो राह चुनी है, जहां हमें आगे बढ़ना है, जिसको हमें आत्मसात करना है, जिसको हमने कैरियर बनाया है, हम इसी को बनाएंगे, यानी हमारी अंदर की संकल्प पेंडुलम की तरह नहीं होनी चाहिए, अगर हमारे इरादे गुनगुने होंगे, खौलते नहीं होंगे, दृढ़ नहीं होंगे,
तो हम योग के मार्ग में खासी उन्नति नहीं कर पाते हैं और उसका वास्तविक स्वाद नहीं चख पाते हैं। तो योग के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए फॉर्म डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त सॉलिट्यूड, एकांत वातावरण, पीसफुल एनवायरनमेंट भी योग की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो साथियों, इससे पहले मैंने आपको कुछ साइको सोशियो और बिहेवियरल क्वालिटीज को बताया जो योग साधक को नहीं आत्मसात करनी चाहिए और योग साधक के को परित्याग करना चाहिए। और मैंने आपको जो अभी बताया ये कुछ ऐसे साइकोसोशल या एनवायरमेंटल क्वालिटीज हैं जो योग साधक के पास होनी चाहिए। तो मैं एक बार दोहराता हूँ, उत्साह, साहस, धैर्य यानी तत्व ज्ञान, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, डिटर्मिनेशन एंड द अवॉइडेंस ऑफ द सोशल कंप्लेन यानी जो योग साधक है उसको पब्लिक कंटैक्ट से दूर रहना चाहिए और ये योग के साधना में सहायक है और योग साधना के लिए आवश्यक है। तो मैं थोड़ा आपको आगे बताता हूँ, हठ योग में भी योग साधना के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आसनों के अभ्यास से पहले यम नियम की बात की गई है। हालांकि पतंजलि में जो यम और नियम के क्रियात्मक अभ्यास है पांच पांच है, लेकिन हठ योग में बेसिकली हठ योग प्रदीपिका में यम 10 बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, फॉरगिवनेस यानी क्षमा, इंड्योरेंस, पेशेंस, धृति, इसी तरह से दया, करुणा, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, मिताहार, मॉडरेट इन डाइट यानी इसी तरह से क्लीनलीनेस, पतंजलि में भी आता है शौच, क्लीनलीनेस, ये जो हठ योग में विशेष रूप से हठ योग प्रदीपिका में वर्णित 10 यम के अभ्यास है जो हमें जीवन में फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति यानी पेशेंस, दया, काइंडनेस, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, इसी तरह से डाइट्री मॉडरेशन, क्लीनलीनेस, ये 10 नियम है जो हमें जीवन में धारण करनी चाहिए और आत्मसात करनी चाहिए योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह से ऋषि 10 नियम के बारे में हमें उपदेश देते हैं। ये हालांकि पतंजलि योग सूत्र में हमने नियम 5 पढ़ा था, यहाँ पे 10-10 है। तो ये 10 नियम क्या है? तप, फिनांस, संतोष, कंटेनमेंट, इसी तरह से बिलीफ, फेथ इन द सुप्रीम गॉड, दान, चैरिटी, इसी तरह से ईश्वर पूजन, वर्शिप ऑफ द गॉड, इस तरह से सिद्धांत वाक्य श्रवणम यानी लिसनिंग टू द रेसिटेशन ऑफ द सैक्रेड स्क्रिप्चर्स यानी शास्त्रों का श्रवण करना, आप्त पुरुषों को सुनना, श्रवण करना, इसी तरह से मॉडेस्टी, डिस्क्रीनिंग इंटेलेक्ट यानी नीर छीर को भेद करने वाली बुद्धि, जप, मंत्र आदि साधना और यज्ञ, ये त्याग, यज्ञ का मतलब सैक्रिफाइस, त्याग, ये नियम के 10 अभ्यास हैं। ये भी मनुष्य को योग अभ्यास के साथ साथ में अवलंबन करनी चाहिए, आत्मसात करनी चाहिए और आपने मानसिक, भावनात्मक और व्यवहार में क्रियान्वयन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हठ योग में साधक और बाधक तत्वों की चर्चा में साधक तत्वों के रूप में यम और नियम की भी चर्चा की गई है। यम 10 हैं, नियम 10 हैं जो मैंने आपको अभी साझेदारी किया। इसके अतिरिक्त ऋषि यह भी कहते हैं कि जो योग के अभ्यास करने वाला व्यक्ति हो उसको कोशिश करनी चाहिए ब्रह्मचर्य की जिंदगी को जीने का, आहार विहार को युक्त रखने का और संसार के चकाचौंध के प्रति विराग होने का, अनासक्त होने का यानी त्याग की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो भी भगवान ने हमें अपने चित्त के बीच के हिसाब से, अपने पुण्य प्रारब्ध के हिसाब से जो चीज दिया है
उसके प्रति हमें संतोष मनाना चाहिए और उनके प्रति बिल्कुल चिपके और चिपटे नहीं रहना चाहिए। ऐसे करने से वो चीज जब हमारे पास से छूट जाते हैं या उन्हें हम छोड़ देते हैं तो हमें दुख होता है। और ये विधि का नियम है, प्रकृति का नियम है, जो भी हमें यहाँ पे मिला हुआ है वो हमें छोड़ सकता है और हम उन्हें छोड़ सकते हैं। ये घटना कभी भी घट सकती है। ये चीजें समय के काल चक्र के हिसाब से डस्टिन होता है, चलता है। तो हमें एक त्याग की मनोवृत्ति को भी हमेशा बनाए रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त योग के प्रति हमारी यानी एक सद्भाव, योग को सीखने की इच्छा बड़ी तीव्र होनी चाहिए। ब्रह्मचारी, मॉडरेटर, रिनाउंसर एंड दे फॉर्म इंटेंट एंड योगा आर अगेन सपोर्टिव थिंग्स टू एडवांस इन योगिक जर्नी एंड टू बी बेनिफिटेड मोर इन दिस सेम पाथ। तो ऐसे साधक बाधक तत्व और यम नियम को समझ के और आत्मसात करके जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है निसंदेह उसको योग के मार्ग में सफलताएं मिलती हैं और योग की सिद्धियां मिलती हैं। अब मैं आहार की बात कर लेता हूं। इससे पहले मैंने जो आपको बात करी दैट वाज साइको सोशल एंड इकोलॉजिकल सेटिंग्स डिजायर्ड बाय योगा प्रैक्टिशनर, योगा थेरापिस्ट एंड हुसोवर वॉन्ट्स टू प्रोसीड इन द योगिक जर्नी। आहार के संबंध में शास्त्र कहता है कि सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जित भोज्यते शिव संप्रीत्यै मितहार स उच्यते। यानी जो योगी का भोजन है वो ग्रेजी होना चाहिए यानी घी आदि से युक्त तो होना चाहिए और मधुर रस प्रदान होना चाहिए। तो मधुर रस प्रदान ग्रेजी घी आदि से युक्त भोजन ऋषि को अपने पेट के एक चौथाई भाग को छोड़ के यानी स्टमक में 25% जगह खाली छोड़ के 75% करनी चाहिए। यानी घी और मधुरता से युक्त भोजन योगी को आपने आमाशय में 75% तक भर के करना चाहिए। और इतना ही नहीं, आपने भोजन को भगवान शिव का प्रसाद मानते हुए करना चाहिए। यानी अपने आप को एक बार भगवान शिव का स्वरूप यानी गॉडली फॉर्म के रूप में प्रसिद्ध करके उसे ग्रहण करनी चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है आप समझ सकते हैं। लोग इन दिनों भोजन करते हैं तो टीवी देखते रहते हैं, बतियाते रहते हैं और भोजन के समय संसार की वो सारी काम करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। शास्त्र इस बात का सख्त हमें निर्देश देता है, सलाह देता है, जब भी हम भोजन करें तो अपने भगवान शिव के रूप में, ईश्वरीय रूप में अपने आप को एहसास करें तो करें। तो इसका अर्थ क्या है? अगर हम अपने आप को भगवान का स्वरूप मान लेते हैं तो भगवान का स्वरूप जहाँ भगवान का वास है, जो हमारी आत्मा है, उसको हम शिव समतुल्य मान लेते हैं, शिव के बराबर मानते हैं। उस आत्मा को वास देने वाला क्या है? उतनी आत्मा को वास कौन दे रहा है? हमारा शरीर दे रहा है। तो हमारा शरीर क्या हो गया? हमारा शरीर टेम्पल हो गया, हमारा शरीर गिरजाघर हो गया, हमारा शरीर मस्जिद हो गया। तो अब आप कल्पना करिए, क्या आप ऐसे भगवान के पवित्र निवास स्थान में गलच्छे चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे? तो मनुष्य का शरीर निसंदेह देव देवालय है, मंदिर है, जहाँ आत्मरूपी भगवान की सत्ता का वास होता है। तो हमें ऐसा फील करते हुए भोजन करनी चाहिए कि हम ये भोजन ईश्वर को प्रसाद के रूप में अर्पण कर रहे हैं, ऐसे मनोदशा के साथ। तो यानी ग्रेजी और मधुर यानी स्निग्ध चिकनाई और मधुरता से युक्त भोजन को अपने शरीर को भगवान का मंदिर समझ के हमें अपने आमाशय को 75% बढ़ना चाहिए। ये भोजन की नियम है योग साधक के लिए और योग के मार्ग में आगे बढ़ के फायदा प्राप्त करने वाले इच्छुक जनों के लिए। अब मैं थोड़ा और इसके आहार की बात को ऑब्जेक्टिव तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, जैसे शास्त्र में निर्देश किया गया है। योगी को स्नेक यानी ग्रेजी और मधुर रस प्रदान भोजन करनी चाहिए। तो क्या नहीं करनी चाहिए योगी को? क्या नहीं खाना चाहिए?
योगी को कड़वा चीज नहीं खानी चाहिए, खट्टे नहीं खाने चाहिए, पंजेन चीज नहीं खानी चाहिए, और नमक भी ज्यादा नहीं खाने चाहिए, और ज्यादा भुने हुए रोस्टेड हीटेड पर्स फूड नहीं लेनी चाहिए, और उसको ग्रीन वेजिटेबल जो हरी सब्जियों में भी जो चीज बताई गई है अभी आगे मैं बताऊंगा कौन सी ऐसी हरी सब्जी है जो योगी को खानी चाहिए, योग साधक को खानी चाहिए, अन्यथा कोई भी हरी सब्जी खाने की आदत भी उसकी नहीं होनी चाहिए, और तेल उसको कम लेनी चाहिए, बेसिकली सीसम ऑयल की बात, सीसम और मस्टर्ड ऑयल को ऋषि वर्जित करता है, सीसम ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल आर टू बी अवॉइडेड। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको साझेदारी करना चाहूंगा, ये बात आप घेरन संहिता में देखेंगे तो मत थोड़ा अंतर है, कोई कोई बातें थोड़ी ओवरलैप होती है, हालांकि सीसम ऑयल बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि का, अगर हमें ये ऑयल फ्रेश मिलती है, नेचुरल मिलती है, तो खाने में कोई ज्यादा ऐतराज नहीं है, मस्टर्ड ऑयल भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, हालांकि शास्त्र में लिखा हुआ है, तो व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से अगर आप सीसम ऑयल और मस्टर्ड ऑयल का सेवन कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यू विल कम टू द लेट अस कम मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट शुड बी प्रोहिबिटेड, एल्कोहल, मछली, मांस, दही, छाछ, मोटे चने, इसी तरह से ये चाइनीज और अरबी टाइप के डेट्स, ऑयल केक्स, हींग और लहसुन, ये योगी के लिए वर्जित है। साथियों आप लोग योग अभ्यास जो सीखने जा रहे हैं इसका प्रयोजन चिकित्सा और लॉन्जिविटी को बढ़ाना है, तो यहाँ पे आप योग का अभ्यास साधु बनने के लिए या त्यागी बनने के लिए नहीं कर रहे हैं और आप दूसरे को ऐसा बनाना भी नहीं चाहते हैं, तो मैं आपको निवेदन करूंगा कोई चीज आप स्वास्थ्य संवर्धन के दृष्टिकोण से सीख रहे हैं और दूसरे को इसी तरह भाव के साथ सिखाना चाहते हैं, तो हमारी यहाँ पे प्रायोरिटी मेडिकल होना चाहिए रादर देन स्पिरिचुअल। तो मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगा कि गार्लिक, ऑनियन, ये बातें साधुओं के लिए और ध्यान की साधना में आगे बढ़ने वाले इच्छुक लोगों के लिए वर्जित किया गया है, लेकिन आज के समय में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो गार्लिक और ऑनियन का प्रयोग अगर हम मेडिकली करते हैं समझ के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए तो इसमें बुरा नहीं है, आप कर सकते हैं, करा सकते हैं। हाँ, दिस इज ओके फॉर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट नॉट गुड फ्रॉम हैबिचुअल प्रस्पेक्टिव, राइट? अगर आप इसके गुलाम हैं, इसके बिना आप नहीं रह पाते हैं तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेवन करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति इंसोम्निया का है, डिप्रेशन है, तो उसमें प्याज खाना अच्छा होता है, किसी को पेट में वायु विकार है और आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो फैट है, तो ऐसी स्थिति में गार्लिक अच्छा होता है। इवन इन दिनों कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना के इस काल में अगर आप भोजन के बाद गार्लिक के दो क्लॉव्स को अगर छोटे छोटे टुकड़ा कर लें, उसको 5 से 10 मिनट हवा में ऐसे खुली छोड़ दें, उसके बाद पानी से या छाछ से खा लें, तो ये आपकी गट हेल्थ को काफी इम्पावर करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आप आसानी से SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन को झेल सकते हैं और अच्छे से मुकाबला करके आप बच सकते हैं। तो लेट मी डिस्कस दिस पॉइंट्स फ्रॉम द मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स। तो हाँ, यहाँ के मैं आपको आगे बात इसमें कुछ बातें करूंगा, बीटर, खट्टे, पंजेंट्स, ज्यादा सॉल्ट और इसी तरह से मांस, मछली और डेयरी प्रोडक्ट्स और मोटे चने, आइल केक्स, आइसक्रीम, ये सारे पिज्जा, बर्गर, ये योगिक आहार नहीं है। बाकी गार्लिक, ऑनियन चाहिए। हाँ, गार्लिक की एक बात मैं और कहना चाहूंगा, दैट इज वेरी गुड प्रीबायोटिक टू। आपको पता होगा इन दिनों लोग कंस्टिपेशन के शिकार हैं, तो ऐसी स्थिति में डिस्पेंसरी से, मेडिकल के दुकान से लोग प्रीबायोटिक्स लेके खाते हैं, तो आर्टिफिशियल प्रीबायोटिक्स खाने से अच्छा यह है
क्या आप गार्लिक को छिलके से खा लें, यानी गार्लिक के छिलके के साथ आप सब्जी आदि में प्रयोग करें, तो दैट इज वेरी गुड सप्लीमेंट ऑफ द यू नो नेचुरल प्रीबायोटिक्स, स्पेशली टू मेक योर स्टूल बल्की एंड टू गेट रिड ऑफ यू फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन एटसेट्रा। तो मैं आगे आपको और बातें कहता हूँ भोजन के बारे में। तो योगी को जो भी आहार अनहेल्दी हो, अस्वास्थ्यकर हो, शरीर में आदि व्याधि पैदा करने वाला हो, नहीं करनी चाहिए। और वो भोजन बासी नहीं होनी चाहिए, रिपीटेडली हीटेड नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से हम इन दिनों मैं समझता हूँ कि एक गलत प्रैक्टिस है, मिक्स वेज का कंसेप्ट लेके बैठे हैं हम। होटल आदि में जाते हैं तो बड़ी चाह से, बड़े मन से, बड़े गर्व के साथ हम मिक्स वेज का ऑर्डर करते हैं, खाते हैं। लेकिन ये मिक्स वेज का हैबिट है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा तो ये है कोई भी चीज को हम जो जैसे है वैसा खा लें तो उसकी एक नेचुरल क्वालिटी हमें प्राप्त होती है। और आहार के संबंध में एक बात मैं कहना चाहूंगा, आहार भी एक तरह का नेचुरल बायोकेमिकल ही है। अगर हम कई चीज को इकट्ठे मिला देते हैं तो वहां पे एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो सकता है। जो चीज हमें लेना चाहिए वो हमारे शरीर में जाने के बजाय जो रिएक्शन के बाद नया प्रोडक्ट बनता है वो हमारे शरीर में चला जाता है। आयुर्वेद में हम एक फूड कॉम्बिनेशन की बात भी करते हैं, इसमें फूड पॉइजनिंग की बात भी होती है। जैसे आपने सुना होगा घी और शहद को बराबर नहीं खानी चाहिए, दूध और कॉफी नहीं खानी चाहिए, मीट आदि के साथ में दूध नहीं खानी चाहिए, अंडे आदि को दूध से खानी नहीं चाहिए। लोग इन दिनों दूध में अंडे डाल के भी खाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द माल प्रैक्टिसेस ऑफ द फूड कॉम्बिनेशन। तो मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि यौगिक आहार में मिक्स वेज का कॉन्सेप्ट भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आहार के संबंध में वो बातें बताई जो हमें वर्जित करनी चाहिए, जो हमें जिससे हमें बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऋषि कहते हैं कि एक योग साधक को अग्नि से, यानी जैसे आग के सेवन से, और यहाँ तो लिखा है स्त्री की सेवन से उसको बचना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे आप लोग उमनी हैं तो आप इसको अदरवाइज ना लें, ऋषि की अपनी भाषा है, इसको आप सही तरीके से विवेचन करने की, समझने की कोशिश करें। यानी योग साधक को अग्नि सेवन और काम सेवन से बचना चाहिए। इसका मतलब यह है अगर वुमन योगा प्रैक्टिशनर है तो मेल के सेवन से बचना चाहिए, अगर मेल है तो वुमन से बचना चाहिए। इसका मत बचने का मतलब ये नहीं है कि भाग जाना चाहिए। हम सब लोग गृहस्थी में हैं तो हम भाग के कहाँ जाएंगे, हमें एक दूसरे की सहयोग सद्भाव की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि हमें काम की फ्रिक्वेंसी को कम कर देना चाहिए। और काम के संबंध में एक बात मैं आपको कहूंगा कि जो मनुष्य के शरीर में भोजन के बाद रस बनता है उसको रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी उसके जो लास्ट प्रोडक्ट है, फूड का अल्टीमेट एसेंस है, वहां तक पहुंचने में फिजियोलॉजिकली 35 से 36 दिन लग जाते हैं। शास्त्र में मैंने पढ़ा शायद 1 लीटर खून से हमारी 1 तोला वीर्य बनती है। यानी फीमेल के केस में आप जाएंगे तो दैट इज लाइक ओवम, राइट, मेल के केस में सीमन है। तो यानी 1 तोला वीर्य के निर्माण के लिए शरीर में अगर हम फिजियोलॉजी को देखते हैं तो तकरीबन 1 महीने से ज्यादा समय लगता है। लेकिन हम उसको अनाड़ीपन में और अपने बेहोशी में गंवा देते हैं तो एक ही बार में वो संपत्ति खत्म हो जाता है। यानी एक ही बार की अनगढ़पन में लगभग 1 तोला 11 ग्राम, यानी जो भोजन का लास्ट एसेंस है वो खत्म हो जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यानी काम के समय में जितना हमें उससे सुख और एक आनंद मिलता है उतने मात्रा में हमारी ऊर्जा का खर्च भी होता है। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा व्यावहारिक रूप से, ये प्रसंग योगा थेरापी का है तो मैं आपको सारी बातें खुल के बता भी देता हूँ। एक बात मुझे ये बताने का मन था कि मनुष्य की सबसे ज्यादा ब्रीदिंग रेट रोमांस के पीक स्टेज में होती है। तो ऐसा क्यों होती है, हमारी हाइपर वेंटिलेशन सबसे ज्यादा वहां क्यों होता है, 36 से लेकर 37 ब्रेथ पर मिनट हो जाती है। इसका सीधा सा आंसर यह है कि उस समय हमारे शरीर में एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ता है। एनर्जी के कंजम्पशन को मेकओवर करने के लिए
हमारी श्वास की गति और हृदय की गति बढ़ जाती है। इसीलिए कोई कोई लोग इसका अर्थ भी लगाते हैं, द रोमांटिक एक्टिविटी इज क्वाइट गुड फॉर कार्डियक हेल्थ। आई एम नॉट श्योर, अच्छा भी है। सप्रेस डिजायर्स और थॉट्स को बाहर निकालने के लिए तो अच्छा है, ऑकेजनली दैट इज एक्सेप्टेड बाय द नेचुरल लॉ, बट ओवर इंटेलिजेंस इन द लस्ट इज हार्मफुल। इसका मतलब यहाँ पे जो वुमन की बात आ रही है, ये काम सेवन की बात है। तो मैंने आपको इसके विषय में एक वैज्ञानिक तरीके से प्रकाश डालने की कोशिश करी ताकि आप इसकी व्यावहारिकता को समझें। इसी तरह से योग साधक को दुर्जनों से बचना चाहिए, अग्नि से बचना चाहिए, और उसको बार बार यात्रा जर्नी भी नहीं करनी चाहिए। सुबह सुबह उसको स्नान करने की पूर्वाग्रह से युक्त नहीं होना चाहिए, यानी समय अनुकूल ऋतु के हिसाब से अगर नहा के योग अभ्यास किया जा सकता है तो ठीक है, अगर बिना नहा के करने की जरूरत है तो आपको अभ्यास करके नहाना चाहिए। तो जैसा सीजन है, जैसे परिस्थिति है, वैसे हिसाब से हमें शेड्यूल को मेंटेन करनी चाहिए। यानी इसी तरह से ज्यादा फास्ट भी नहीं करनी चाहिए। लोग बोलते हैं सोमवार की शिव जी की फास्टिंग, रविवार की सूर्य उसके सूर्य की फास्टिंग, फिर मंगलवार की हनुमान जी की फास्टिंग, फिर एकादशी की फास्टिंग, कई बार 4 दिन फास्ट पड़े रहते हैं। अगर आप सुबह सुबह हठ योग के एनर्जी कंज्यूम करने वाले अभ्यास को करें और बेमतलब से फास्ट करते रहें तो अल्सर हो जाएगा। तो इसीलिए हठ योगी को फास्टिंग भी समझ के करनी चाहिए। हाँ, मैं ये मना नहीं कर रहा फास्टिंग आपको नहीं करनी चाहिए, फास्टिंग सप्ताह में एक बार कर लें तो शरीर और मन की शुद्धि के लिए फास्टिंग बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें रिसर्च भी की गई है, एक जापान के साइंटिस्ट को इसमें नोबेल प्राइज भी मिला। उसने एक जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिद्ध करके दिखाया कि जो व्यक्ति सप्ताह में यानी 1 वीक में एक दिन फास्ट रखता है तो उसको कैंसर नहीं होता। दैट वॉज द फाइंडिंग ऑफ हिज रिसर्च, ऑन दैट फाइंडिंग ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज। तो फास्टिंग का एक अंध मान्यता और अच्छा नहीं है, सप्ताह में एक बार कर ले तो कोई बुरा नहीं है। तो फास्टिंग को हमें सावधानी से प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। फास्टिंग अपने आप में गहरी साइंस है, इसमें 5-7 क्लास हो सकती है मेरी, तो मैं इतनी बात आपको बोल के आगे बताता हूँ। एंड अगेन एक्शंस दैट हर्ट द बॉडी, और कुछ ऐसे अभ्यास भी हमें नहीं करनी चाहिए जिससे शरीर को आघात पहुंचे, शरीर में इंजरी आए, शरीर को परेशानी हो। योग अभ्यास के दौरान इन दिनों ये घटनाएं घट जाती है, लोगों को सिक्वेंस नहीं पता होता है, प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं करते हैं, अलाइनमेंट नहीं होता है, तो मसल स्ट्रेन स्पेन जैसी प्रॉब्लम आती है। तो साथियों, योग शास्त्र कहता है कि हमें अग्नि सेवन से, काम सेवन से और बारंबार जर्नी से, उपवास से और शारीरिक आघात से बचना चाहिए। अब बात आगे आती है तो हमें क्या खाना चाहिए, हमारी आहार क्या हो, क्या हमारे लिए रेकमेंडेड है। फूड ग्रेन्स यानी जो होल सम फूड ग्रेन्स, व्हीट, राइस, बार्ली, मिल्क, घी, ब्राउन शुगर, शुगर कैंडी, हनी, ड्राई जिंजर, पटोला फ्रूट यानी स्पीसीज, पटोला फ्रूट स्टैंड्स फॉर द स्पीसीज ऑफ द क्यूकम्बर, ककड़ी टाइप की जो हम ककड़ी खाते हैं, ककड़ी को रेकमेंड किया गया है। 5 तरह के पोथ हर्ब्स यानी साग में बथुआ, पालक, इसी तरह से भाजी, ये पालक, मेथी, मूली, ये कुछ चीज हैं जो हमें खानी चाहिए। जो नहीं खानी चाहिए उस पर मस्टर्ड, मस्टर्ड की जो हमारी सरसों की साग आती है उसको योग शास्त्र में अवॉइड किया गया है क्योंकि वो पचने में काफी समय लेता है, गरिष्ठ होता है। तो सबसे अच्छा माना जाता है बथुआ की साग, पालक, चुकंदर, भाजी। अब 5 तरह के पोथ हर्ब्स को, भाजियों को योग शास्त्र में खाने की सलाह दी गई है। दाल में मूंग और इसी तरह के दाल, अन्य दाल, मैं समझता हूँ इन दिनों मसूर की दाल भी आश्रमों में चलती है। और साधनात्मक दृष्टिकोण से और पाचन के दृष्टिकोण से उड़द की दाल, मटर, ये ज्यादा अच्छी नहीं होती। अदरवाइज कुल्थी को भी मना करता है योग शास्त्र। कुल्थी आप समझते हैं या नहीं समझते हैं, पहाड़ों में एक उसको गैद बोलते हैं, जब रेनल स्टोन वगैरह हो जाता है तो लोग उसके सूप बना के खिलाते हैं, कुल्थी ज्यादा खिलाते हैं। योग शास्त्र मूंग को सबसे अच्छा मानता है। आई थिंक मूंग और मसूर,
ये दो दाल में सबसे अच्छे हैं, साथ साथ में योगी को पानी भी शुद्ध पीना चाहिए। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, होलसम फूड ग्रेन्स लाइक राइस, बार्ली, मिल्क, घी, ब्राउन शुगर, शुगर कैंडी, हनी, ड्राई जिंजर, पटोला फ्रूट एंड दी फाइव टाइप्स ऑफ पोथॉप्स, मूंग एंड सच पल्सेज एंड प्योर वाटर, ये योगी को करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त योगी का भोजन मन प्रिय होना चाहिए, डिजायरेबल भी होनी चाहिए, यानी थोड़ी सुस्वादु भी होना चाहिए, पौष्टिकता से युक्त होना चाहिए और उसका स्वाद अच्छा होना चाहिए, जूसी होना चाहिए, यानी हम जो भोजन करते हैं सूखा सूखा फ्राइड जिसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं होता वो योगी का आहार में नहीं आता। तो फूड शुड बी जूसी और इसी तरह से हमारे शरीर की धातु के पोषण करने वाला होना चाहिए। तो ये आहार के संबंध में इसी ने बातें कही है। तो अगर आदमी इन सब लोग चीजों का ध्यान रखते हुए योग का अभ्यास करता है तो वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे कम बूढ़ा हो, चाहे बीमार हो, कमजोर हो, उसको निसंदेह लाभ मिलता है, योग के मार्ग में सफलता मिलता है। तो यहाँ पे एक स्पष्ट संकेत ऋषि देते हैं कि योग अभ्यास अगर समझ से करें, हम विवेक से करें, तो जवान भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है और एकदम कमजोर व्यक्ति भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है। तो योग शास्त्र सबके लिए है। अगर हम सही समझ के साथ, सही अकल के साथ और सभी सावधानियों के साथ डूज एंड डोंट्स को समझ के करते हैं तो योग अभ्यास में हमें सफलता मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि आज मुझे आपसे इतनी बातें करनी थी पहले सेशन में, तो मेरा डिलीब्रेशन यहाँ पे समाप्त तो होता है और मैं आपको आह्वान करता हूँ प्रश्न उत्तरी के लिए। फिर एक क्वेश्चन है, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए कुल्थी की दाल यूज करते हैं ना? रेनल स्टोन के लिए। अच्छा, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए नहीं? दैट्स फॉर रेनल स्टोन। अच्छा सर, और एक मॉर्निंग वॉक करने के बाद आसन प्राणायाम कर सकते हैं या आसन प्राणायाम के बाद मॉर्निंग वॉक करना चाहिए? अच्छा, लेकिन आप मेरी शेड्यूल को देखेंगे तो मैं मॉर्निंग वॉक कर लेता हूँ फिर आसन प्राणायाम करता हूँ, जैसे आपको सुविधा हो। मुझे लगता है कि पहले आसन प्राणायाम ही कर लेनी चाहिए उसके बाद मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक प्राणायाम के बाद मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं प्राणायाम करने के बाद? मैडम मैं एक बात बताऊं, जो मैं करता हूं मॉर्निंग वॉक करके प्राणायाम करता हूं तो मुझे कुछ करने का मन नहीं होता, फिर मूव करने का घूमने का नहीं होता। जो आपकी मनोदशा हो उसके हिसाब से आप कर लें। अब योगाभ्यास ब्रह्मुहूर्त में करना चाहिए, प्राणायाम आदि का अभ्यास 4 बजे से लेके 6 बजे का जो वातावरण होता है, एटमोस्फेयर होता है, उसमें ऑक्सीजन की कंटेंट हाई होती है और कॉस्मिक वाइब्रेशन अच्छे होते हैं, ये पर्यावरणविद भी मानते हैं, योग शास्त्र मानता ही। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ब्रह्ममुहूर्त का समय धारणा ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास के लिए यूज करने का। और तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, आप कितने बजे मॉर्निंग वॉक जाती हैं, कितने बजे का अभ्यास करती हैं, पहले मुझे बताइए। 6 o'clock मॉर्निंग वॉक। तो 6 o'clock मॉर्निंग का आप जाती हैं तो आपका योग अभ्यास बाद में करना, मुझे लगता है आपको योग अभ्यास पहले करनी चाहिए। अच्छा, योग अभ्यास पहले। एक्चुअली 3 किलोमीटर का राउंड हो जाता है जॉगिंग के लिए, तो उसके बाद आसन करने का मन नहीं होता। तो मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आपको एक ही चीज करनी चाहिए। क्या जरूरी है, जब आप आसन प्राणायाम सारे कर लेती हैं तो उसको 3 मीटर की वॉक करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, एक प्रैक्टिस बनी हुई है तो करने का मन होता है, आप कर लें, अदरवाइज फिजिकल नीड के हिसाब से एक चीज पर्याप्त है। सर एक प्रॉब्लम क्या है ना, बाहर मॉर्निंग वॉक अच्छा लगता है, नेच फ्रेश लगता है, लेकिन घर में आसन प्राणायाम बोरिंग लगता है। घर में होता है ना तो इतना शुद्ध हवा, उसके लिए मॉर्निंग वॉक जाना पड़ता है। अंडरस्टैंड। तो आप एक काम कर लीजिए, आप मॉर्निंग वॉक ले चले जाती हैं तो आपके पास नेचर है, जलाशय है, नर्मदा का किनारे है, तो वहीं पे योग अभ्यास कर लीजिए शांत एकांत वातावरण में, कोई आपको डिस्टर्ब भी ना करे। ओके सर। ऑलराइट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। बताइए सर। दिव्यानी हो? यस sir, I have one question that if we do during Brahma Muhurat, if we do pranayam or फिर उसके बाद थोड़ा सा freshen up होने के बाद फिर yoga अगर करते हैं तो is that okay, या फिर yoga पहले करें फिर pranayam करें? जैसे actually ऐसे जो मुझे
अपने अनुभव से और शास्त्र से मैंने सीखा है, पहला हमें आसनी करना चाहिए, फिर प्राणायाम करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे धारणा ध्यान की स्थिति में जानी चाहिए। दैट इज द सिक्वेंस। ये शास्त्र का क्रम है और यही अनुभव मुझे अच्छी लगती है। लोग इसमें कस्टमाइज भी कर लेते हैं, आगे पीछे अभ्यास को करते हैं, बट आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू ऑल टू प्रैक्टिस पोस्चर एट द बिगिनिंग, आई मीन सोमैटिक एट फर्स्ट, सेकेंडली यू कम टू द प्राणिक एक्सरसाइज, thirdly to the psychic level and emotional level. That is the accepted and recommended sequence of the yoga practice. But sir, इसपे सुबह 4 बजे उठके तो या फिर 5 बजे उठके जब तक हम लोग योगा कर लेंगे 1 आवर तक या हाफ एन आवर तक भी, तो फिर उसके बाद तो टाइम थोड़ा सा निकल जाता है ब्रह्म मुहूर्त। I see. मैंने एक बातें I was just talking about the disruptive factors of yoga practice. One of them was the adhering to rules. तो हमें थोड़ी flexible होनी हो जानी चाहिए। हाँ, हम ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं, बाउल क्लियर हो जाता है, हम निरंतर योग का अभ्यास कर लेते हैं, तो दैट इज बेस्ट। अगर थोड़ा सा टाइम का अप डाउन हो जाता है तो हमें ब्रह्म मुहूर्त चला गया ऐसा कह के योगाभ्यास को स्किप नहीं करनी चाहिए, योगाभ्यास को उसके बाद भी कर लेनी चाहिए, तो भी हमें फायदे उसके मिलते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए। हमारे साथ भी घटना घट जाती है कभी कभी, कभी कभी तो मेरी ऐसी भी होती है कि किसी वजह से अगर टाइम शेड्यूल डिस्टर्ब होता है तो मैं पढ़ा चुका हूँ, फोर्थ यूनिट में 3 यूनिट पढ़ा चुका हूँ, तो बच्चों को बोलता हूँ कि यार थोड़ा आराम कर लो, और उसमें उसके पीछे मेरा एक ही स्वार्थ होता है, मैं 2.5 घंटा योगाभ्यास कर लो, ठीक है। तो देवयानी वैन इसमें थोड़ा अप डाउन हो सकता है, हम गृहस्थ में है तो गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें सादगी संयमता और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है, अपने को भी ध्यान रखना होता है, दूसरों का भी ध्यान रखना होता है, तो ऐसी स्थिति में एडजस्टमेंट हमारी जीवन की सबसे बड़ी तपस्या और योग साधना बन जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हो सकता है सेटिंग हमें अलाउ करता है, सपोर्ट करता है, तो लेट अस ट्राई फॉर दैट, दैट इज बेस्ट। इफ नॉट बी लिटिल फ्लेक्सिबल एंड गो लिटिल बैक एंड फोर्थ राइट, दैट इज नो प्रॉब्लम, बट try to practice yoga on regular basis. Sure, sir. Thank you. Sir, Khyati here. Yes. Sir, I would like to know, to have a dairy milk product is good as a food, taking like anything dairy milk product? No, I don't recommend. I think yoga ki sadhana ke liye dairy milk acha nahi hai. Yog shastra gaay ke doodh ko recommend karta hai, lekin ek koi shastra doodh ko bhi mana karte hain. To iski wajah kya hai? Main aapko batata hu ki doodh yogik aahar hai. Ye rishi kehta hai na suisnigdh, yani hamara bhojan greasy bhi ho, proteinous ho, greasy ho, fat se yukt ho aur sweet bhi ho. To yog milk ye sab qualities ko fulfill karta hai. लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज के समय मिल्क ही कहाँ मिल रहा है। 90% जो मिल्क यहाँ पे हमें मिलता है, दैट इज फूड ऑफ फूल ऑफ एडल्ट्रेशन। जितने हमारे शरीर में दोष जाता है ये मिल्क से जाता है। मैं इसके कई उदाहरण आपको बता सकता हूँ। काफी लोगों के इन दिनों मिल्क इंटॉलरेंट हो गया है, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट भी शूट नहीं करता, और काफी इसमें मिक्स है। हाँ, आपने गाय पाल रखा है, देसी गाय, छोटी सी गाय आपने पाल रखा है, आप उसको अपना चारा खिलाती हो, इंजेक्शन नहीं देती हो, वो आपके अंदर है, तो उसके दूध आप ले सकते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप उसके दही लीजिए, आप उसके दूध लीजिए, उसके मक्खन बनाइए, घी बनाइए, उसे खाइए। और पनीर की सलाह मैं नहीं देता, पनीर ये एक आर्टिफिशियल फॉर्मुलेशन है, पनीर कोई नेचुरल रूप नहीं है। अदरवाइज मिल्क, कर्ड, घी, बटर, बटर मिल्क, ऑल दे आर जस्टिफाइड अगर ये आपकी घर की है और आपकी गाय उस तरह की है। मैं अपने यहाँ अपनी घटना सुनाता हूँ। 8 वर्ष मैंने दूध नहीं पिया इस वजह से, तो अभी हमारे एक बगल में लैंडलॉर्ड हैं, प्रॉपर्टी वाले, तो कई कुत्ते उन्होंने पाल रखा था। मैंने बोला इतने सारे कुत्ते पाल रखा है, इतना सारा एरिया है, जगह है, गाय पाल लो, इतना सारा चारा पड़ा हुआ है, ऐसे आप जला रहे हो। उन्होंने मेरी बात धोखे से सुन ली, तो गाय ले आए, वो गाय हार्डली 2.5 से 3 लीटर दूध देता था। तो उनका शाम को अमृत पान करने की आदत है उनकी, शाम को वो दूध पान नहीं करते हैं, अमृत पान करते हैं। तो बोलते हैं डॉक्टर रुद्र, शाम को ये आप ले जाया करो, तो मेरा शाम का दूध तो अलग होता है। तो
तो मैं उस दूध को आपने सामने ले आता हूँ, तो मैंने कुछ 2-4 महीने उसकी यूज किए, उसके उसके दही बनाए, एक दो बार गाय से दूध निकालने की कोशिश करी ताकि आर्थराइटिस वगैरह ना हो, हाथ अच्छे हो जाएं, ठीक है। फिर उसके घी भी बनाया, बटर भी बनाया, तो दैट इज गुड, लेकिन बहुत एडल्ट्रेशन है मैडम। अब बगल में हमारी एक गौशाला है, हमारे बच्चों ने बोला है सर वहीं से निकाल के ले आइए दूध, वो तो प्योर देता है आपके सामने सामने। मैं 5-7 बार लेके आया, बाद में पता चला कि मेरे जाने से पहले ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देता है, तो छोड़ दी। तो ये तो मैं एक बता रहा हूँ आपको, इतनी ज्यादा एडल्ट्रेशन है। आप बताइए शुद्ध देसी घी किसको मिल रहा है, शुद्ध देसी घी कल्पना करिए, कितने गाय है, कितने गौशालाएं हैं, कितने शुद्ध गाय यहाँ पड़े हुए हैं। तो दिस आर सम सॉर्ट ऑफ यू नो मार्केटिंग स्टेटमेंट, दूध में काफी एडल्ट्रेशन है, इसीलिए मैं इस चीज को सलाह नहीं देता। और अगर नेचुरल है तो आप करिए, खाइए। थैंक यू। हेलो सर। यस। नमस्कार सर। सर हम रोज ये सूर्य नमस्कार रोज करें तो अच्छा है, तो जब इनके आसन करते हैं तो साइकल्स ज्यादा करें या एक ही आसन को स्टेडी ज्यादा रहे? वेरी गुड। आपका शरीर कैसा है? पतला है, मोटा है? नहीं नहीं पतला है। पतला है तो आप स्लो एंड स्टेडी करें, नॉट डायनेमिक। योग के पोस्टर वैसे भी वार्म अप के पर्पज को छोड़कर, अब बच्चों को खेल खिलाना है, उछल कूद कराना है तो अलग विषय है, हम सिट्टी के साथ म्यूजिक के साथ जल्दीबाजी करा सकते हैं। अदरवाइज पोस्चर शुड बी प्रैक्टिस्ड रिदमिक एंड यू नो आई हैव टू से पोस्चर धीर गंभीर होनी चाहिए, धीरे से की जानी चाहिए, श्वास के साथ, मन की सजगता के साथ, जल्दीबाजी। 20 राउंड सूर्य नमस्कार करने से 5 राउंड सूर्य नमस्कार ढंग से, तमीज से, प्रार्थना से, श्वास की गति से करना कई गुना अच्छा है। मेरा ऐसा अनुभव है, मैं ऐसा मानता हूँ। और सर रेशियो क्या होना चाहिए पूरक कुंभक और रेचक का? जैसे किसमें? जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं तो एक आसन में उसका रेशियो क्या होना चाहिए? जितने आपकी सहजता हो। अगर मैं आपको एक ऑप्टिमल पॉइंट बोल दूं आधा मिनट, अगर आपकी श्वास आधा मिनट नहीं रुकती है तब शुरुआत करते हैं तो उसका जैसे पूरक ज्यादा ले, रेचक उससे ज्यादा करे, डबल करे या कैसे? तो प्रैक्टिस नहीं, आप ये पूर्वाग्रह ना करें, पूरक और रेचक को लगभग लगभग बराबर रेशियो में करने की कोशिश करें। शास्त्र तो ऐसा कहता है कि हमारी पूरक से ज्यादा रेचक होना चाहिए, हठयोग में उसकी रेशियो बताई गई है, लेकिन समकालीन लोगों की मनोदशा, शरीर, वातावरण के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि आपको आप बराबर करिए पूरक और रेचक, और उसको कितने देर रिटेन करना है ये अपनी कम्फर्ट और आपने कैपेसिटी के ऊपर छोड़िए, ठीक है। जब आपको सहज लगे उतने तक करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार, नैना बोल रही हूँ। नमस्ते। मुझे ये पूछना था कि आप उसमें आपने बोला खाने में कि कड़वा, योगी को कड़वा नहीं खाना चाहिए, लेकिन योग में तो सुना है कि सभी रस लेने चाहिए हमको, तो कड़वा क्यों मना किया है? लाइक करेले नहीं खाने चाहिए योगी? नहीं, अब देखिए योग शास्त्र में मेडिकली सब कुछ खाने की इजाजत है, मैंने आपको ऑनियन और गार्लिक के हिसाब से बोला ना। हाँ वो तो मैं समझी, लेकिन कड़वा वो तो समझ गई, लेकिन कड़वा क्यों मना किया है योगी के लिए, वो मुझे थोड़ा लगा ऐसा, क्योंकि यूजुअली सभी रस लेने चाहिए योगी को, गार्लिक ऑनियन अलग बात है, तो जस्ट अ क्वेश्चन, क्योंकि हम करेले ज्यादा ही खाते हैं। That is good question. योगी को कड़वा क्यों नहीं खानी चाहिए? मधुर ग्रीजी खाना चाहिए, तो समझ में आता है। मधुर ग्रीजी तो नहीं होना चाहिए ना, वो तो और भी क्या बोलते हैं, काम में तो मधुर और ग्रीजी तो और भी प्रॉब्लम करता है। नहीं, मैं आपको उसकी बात समझाता हूँ। हाँ। मधुर का मतलब आप केवल मीठा ना समझे, मधुर अच्छा। का मतलब आप ग्लूकोज समझे, राइट? आपकी एनर्जी बनने के लिए सेल में ग्लूकोज का होना जरूरी है। अगर योगी ग्लूकोज नहीं खाएगा, मधुर चीज नहीं खाएगा, तो उसको एनर्जी फॉर्मेशन के लिए कहां से रॉ मटेरियल मिलेगा? योग अभ्यास भी करता है तो मसल का कंट्रैक्शन तो होता ही है ना, एनर्जी तो उतनी लगती है, एरोबिक होता है, अलग विषय। ग्रीजी, अब ग्रीजी फूड नहीं खाएगा, जैसे मान लीजिए आप योग के इतने अभ्यास करें, अगर शरीर में चिकनाई ना हो, नेचुरल फैट ना हो, तो शरीर पूरा सूखा हो जाएगा, आपके ज्वाइंट से आवाज आने लगेगी, आपके आंतों में खुश्की आ जाएगी, आईज में ड्राइनेस आ जाएगा। हठयोग के अभ्यास में
बॉडी का ग्रीजी होना बहुत जरूरी है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो बात अलग है, अदरवाइज हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं बेटा सुबह योग अभ्यास करने के बाद 2 चम्मच घी खा लिया करो। दैट इज घी तो लेना ही है, सही बात है। और बाकी योगी लोग होते हैं जिसकी साधना होती है, जिसकी स्वास्थ्य सही होते हैं, वो दूध घी खाने में परहेज नहीं करते हैं। वैसे तो कुछ ऐसे योगी लोग भी होते हैं बाबा घी खा के इतनी पेट आ जाती है, तो पड़े रहते हैं अलग विषय। आपका जो मेन सवाल है कि कड़वा क्यों नहीं खानी चाहिए, कड़वा रस में करेली आदि को ऑकेजनली खाने की तो कोई एतराज नहीं है। आश्रमों में जो कॉमन प्रैक्टिस होती है इसको अवॉइड नहीं किया जाता, लेकिन जैसे मधुर और ग्रीजी चीज का हमें नियमित सेवन करना चाहिए वैसे तिक्त को नहीं करना चाहिए। ऋषि की इशारा यह है, ओवरईटिंग नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे हम करेली को ऑकेजनली खा लेते हैं, लेकिन मीठा और चिकनाई चाहे हम सब्जी में डाल लें, चाहे हम घी खा लें, तो फैट तो हमारी एक डाइट का रेगुलर इंटेक है, रेगुलर इंग्रेडिएंट है ही है, लेकिन हम तीता बिटर चीज रेगुलर खाते भी कहाँ है। अगर हम कंपैरिजन करें मधुर और स्निग्ध के तुलना में, तो हमारा बिटर उसका तो होता नहीं है, तो ऑकेजनली हम खा सकते हैं शरीर की आवश्यकता होने पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीम के दतुन कर लेना निसंदेह अच्छा है। ऑकेजनली करेली खा लेना अच्छा है। अगर शरीर में शुगर बढ़ जाती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, तो बीटर रस अच्छा होता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से जो षड रस है उसको शरीर को चाहिए, लेकिन कंपेरेटिवली जो बीटर है वो ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हमें एक थेरापेटिक और अप्लाइड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको इस तरह से समझना चाहिए। थैंक यू मिलोनी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। यदि पनीर घर का बनाया हो तो इज इट गुड फॉर हेल्थ और नॉट? आप घी क्यों नहीं खा लेते? हाँ घी तो खाते हैं सर, पर ऐसा बोलते हैं ना कि पनीर में प्रोटीन ज्यादा रहता है। नहीं तो... पनीर नेचुरल फूड आइटम नहीं है। आप घर में भी बनाती होंगी तो नींबू डाल के या कुछ साइट्रिक चीज डाल के फाड़ती है ना। हाँ कर्ड डाल के दही। तो हमारी परंपरा में तो दूध फट जाता तो हम खाते भी नहीं है, उसको फेंक ही देते हैं। तो पनीर अच्छा नहीं है। आप प्रेम है तो लोग बड़ी चाहत से खाते हैं। मैंने पहले बता तो दिया मिक्स वेज इन दिनों लोग कितने चाहत से खाते हैं। होटल में जाएंगे तो बोलेंगे भाई मिक्स वेज दे दे, उसमें भिंडी भी पड़ी हुई है, पनीर भी पड़ी हुई है, बैगन भी है, सारे पड़ा हुआ, तो काम हो जाएगा। तो ऑल दे आर बायोकेमिकल्स ना, वंस वी विल मिक्स देम तो देयर इज द हायर चांस ऑफ द केमिकल रिएक्शन and the conversion of natural biological the biochemicals into the undesirable one too. तो ऐसा होता है, तो जो मिश्रित आहार है योग प्राय अवॉइड करता है। तो सर ऐसा बोल सकते हैं कि whey protein is also not good। कौन सा? whey protein सर, जो पनीर बनाते हैं फिर उसमें जो पानी अलग होता है ना। जी जी। अब अभी बीच में जो कॉन्सेप्ट आया था कि वे प्रोटीन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, प्रोटीन के हिसाब से। मैं तो आपको ये सारी बातें योग शास्त्र के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे तो मैं आपको एक बता रहा हूँ ना। हम बोलते हैं आयुर्वेद में फूड कॉम्बिनेशन के हिसाब से बोलता है कि भाई ये नहीं खाने चाहिए, लोग खा लेते हैं, लेकिन खाने जो इस तरह से आहार विहार कर लेते हैं उसकी स्वास्थ्य की करिश्मा तो मैंने देखी नहीं है। कुछ ना कुछ आदि व्याधि इनको हो ही जाती है। तो हमारी आयुर्वेद की, योग की और जो मॉडर्न डाइट एंड न्यूट्रिशन की जो कंसेप्ट है ना फूड कॉम्बिनेशन का, बिल्कुल अलग है। मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद का जो फूड कॉम्बिनेशन का प्रिंसिपल है ना वो ज्यादा सही है और लॉन्जिविटी और हेल्थ को प्रमोट करने वाला है। एक चीज मैं आपको और पढ़ाने वाला हूँ, डाइट डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, एक हमारा अलग से पेपर है डाइट डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। बाकी चीजें हम ज्यादा वहां ज्यादा बात करेंगे, ठीक है? तो मैं समझता हूँ आज का निर्धारित समय यहाँ पे खत्म हो गया है। वी आर मूविंग टू अस 3:15। तो आज की हमें प्रश्न उत्तरी सेशन की यहीं पे समाप्त करनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो साथियों हमारी अगली जो योग की क्रियात्मक सेशन है उसमें हम योग के कई अभ्यास सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि आप जो अभ्यास आपको यहां से बताई जाती है, प्रदर्शन की जाती है, आप थोड़ा बहुत करने की कोशिश भी करते होंगे।
अगर आप थोड़ा बहुत करने की कोशिश नहीं करते हैं तो बात बनेगी नहीं। योग वस्तुतः सिद्धांत विवेचन का विषय ही नहीं होता, योग तो क्रियात्मक चीज है और करके देखने वाली चीज है। तो इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन। तो आई स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू प्रैक्टिस द थिंग्स व्हाट एवर हैज बीन टच एंड दे यू नो डेमोंस्ट्रेटेड इन द प्रैक्टिकल सेशन। और जो बातें आपसे अकेले नहीं बनती और आपको गुरु के शिक्षक के मार्गदर्शन में करनी चाहिए, वो आपको मार्गदर्शन में करनी चाहिए। ऐसी भावना करते हैं, कामना रखते हैं कि हम मिल पाए, एक आपस में इन चीजों को साझेदारी कर पाए। तो हमने योग के क्रियात्मक पहलू में जो बात की थी हठ योग में, सबसे पहले शुद्ध क्रियाओं का नंबर था, फिर दूसरे नंबर में आसन थे, तीसरे नंबर में प्राणायाम थे, चौथे नंबर में बंद मुद्राएं हैं, पांचवें नंबर में प्रत्याहार हैं, छठवें में धारणा है, सातवें में फिर ध्यान है। इस तरह से हड्डियों की अभ्यास की एक सीक्वेंस निर्धारित है, उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो योग के हेल्थ मार्केट में पोस्चर का अधिक बोलबाला है, लोग पोस्चर से प्यार करते हैं और पोस्चर को भलीभांति सीखनी चाहिए, इसकी संख्या भी ज्यादा है। तो पोस्चर की सीखने सिखाने के क्रम में हमने आपको निवेदन किया, सबसे पहले हमें लूजनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बाद वार्म अप, उसके बाद स्ट्रेचिंग, फिर धीरे धीरे हमें योग के सरल पोस्चर से यात्रा शुरू करके कम्प्लेक्स में जानी चाहिए। तो इसी क्रम में हमारी शिक्षण प्रशिक्षण और अभ्यास चल रहा है। हालांकि अभी हम आपको डिजीज नहीं पढ़ा रहे हैं, तो डिजीज वाइज प्रिस्क्रिप्शन हमें ज्यादा अभी बताने का मन नहीं था, फिर भी डॉक्टर ब्रिजेश ने आज की स्वास्थ्य समस्या की इंटेंसिटी को देखते हुए आज डायबिटीज से संबंधित योग के पोस्चर कराने की एक मनसा और लेसन प्लान बना ली है, तो वो आपको जरूर कराएंगे। अदरवाइज हम अभी जब तक आपको डिजीज के बारे में नहीं पढ़ाएंगे तब तक डिजीज के प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा अभी प्रैक्टिकल में बताने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी हमें डाइट, डाइजेशन और न्यूट्रिशन भी पढ़ना है, योगा थेरापी के मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़नी है, डिजीज के बारे में पढ़नी है, तब जाके हमें थेरापी प्रिस्क्रिप्शन में आना है। लेकिन ओबिसिटी एंड डायबिटीज आर द टॉप मोस्ट कॉस्ट ड्राइवर एंड द किलर डिजीज। By minding all these points, Dr. Brijesh has designed some postural sequence today just to, you know, mobilize the fat and especially to prevent the diabetes. So, in shabdon ke saath, main Dr. Brijesh ko aamantrit karta hoon aaj ke kriyatmak session ke shikshan ke liye aur pradarshan ke liye, Dr. Brijesh. डॉक्टर ब्रिजेश आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं, माइक्रोफोन को अनम्यूट करिए। ओके। डॉक्टर ब्रिजेश टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर ब्रिजेश ये जो आपकी साउंड म्यूजिक चलती है ना, इसकी आवाज सही से नहीं आप आती, इसको आप बंद कर दीजिए। जो आपको जैसा सुनाई पड़ती है हमें सुनाई नहीं पड़ती, तो आप ऐसे ही करिए ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू। ओके ओके। तो जैसा कि रुद्रसन ने कहा है कि अभी थेरेपी की बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो एक बार विचार में आ जाए तो उस बात को कह देना चाहिए। और इससे पहले भी हम डायबिटीज मैनेजमेंट के ऊपर काम कर चुके हैं, तो आज हम आपके बीच में मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, CCRF मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पटना में थे, वहाँ हमने LPCDCS 5 बीमारियाँ होती हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लकवा, हफली, मोटापा और कैंसर, ये सारी बीमारियाँ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। उसमें हमने 5 साल काम किया और उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव काम था वो डायबिटीज के ऊपर था।
हमने आपके गुजरात के लखोलित यूनिवर्सिटी में भी अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था। वहाँ पर पिछले 2 साल पहले हम गए थे, डायबिटीज़ के ऊपर, डायबिटीज़ मैनेजमेंट के ऊपर हमारा रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन था, हमने वहाँ दिया था। और इससे पहले भी हम बहुत सारे अनगिनत वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम, डायबिटीज़ कैसे मैनेजमेंट किया जाए इसके ऊपर हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। इसीलिए हमारा विचार था कि जो सिलेबस चल रहा है उसको तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे बट हमारा मन था कि आज का सेशन डायबिटीज़ मैनेजमेंट के ऊपर हो, इसलिए हम आज का सेशन डायबिटीज़ मैनेजमेंट के ऊपर रखते हैं। मैं चाहूँगा, मैंने एक स्लाइड बनाया था, यदि डॉक्टर रुद्रा साहब सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ स्लाइड एक बार शो कर देंगे। मैं आपको कुछ डाटा दिखा देता, आपको स्लाइड दिख रहा है? यस यस, आप कंटिन्यू करिए, बताऊंगा, आप कंटिन्यू करिए। यस, नेक्स्ट, जय सोमनाथ, कंटिन्यू, नेक्स्ट। ये सारे पेशेंट डायबिटीज, स्टॉप प्लीज। ये देखिए, ये वर्कशॉप रहता है 3 दिन का, 2 दिन का, ये सारे डायबिटिक पेशेंट है, आपको सामने दिख रहे हैं, सारे के सारे डायबिटिक पेशेंट हैं। और इसमें कुछ लोग डायबिटिक इनका छूट गया है, कुछ लोग सिर्फ आयुर्वेद से आ गए हैं, और कुछ लोग जो इंसुलिन ले रहे थे वो भी सिर्फ आयुर्वेद से आ गए हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये ऐसे बड़े बड़े जगहों पर डायबिटिक मैनेजमेंट के लेके वर्कशॉप चलते हैं। नेक्स्ट, देखिए, ये अलग अलग जगहों पर जब 2-3 दिन का प्रोग्राम हो जाता था तो वहाँ के, मैंने इसमें एक डाटा दिया है, आप देखेंगे ध्यान से तो बताऊंगा आपको कि देश के 14% मधुमेह मरीज मौखिक दवा के साथ इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, और 59% 59.9% सिर्फ और सिर्फ दवा, और 14.4% किसी प्रकार का कोई दवा नहीं इस्तेमाल करते। तो अपने को 14.4 है उस कैटेगरी में आना है, या अपने लोग हमारे घर में जो कोई भी हो, हमारे जान पहचान में जो भी लोग हो, यदि उनको डायबिटीज है या उनके मदर फादर किसी को डायबिटीज था, तो ये जानकारी आपको रखनी पड़ेगी कि डायबिटीज जेनेटिक भी होता है, दिमाग को प्रेगनेंसी के टाइम पर शुगर लेवल बढ़ गया है, डायबिटीज हो गया है, तो बच्चे को भी होने की संभावना रहती है। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल कैसा बनाए, जो बच्चा आने वाला है, नया अतिथि आने वाला है, उसके आने के बाद हम लाइफ स्टाइल क्या करें, उसका जो आहार दिनचर्या खान पीन कैसा बना के रखें ताकि भविष्य में उसको डायबिटीज ना हो, इसके लिए भी इसी तरह की बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, देखिए इसमें हमने राजस्थान, गुजरात और बिहार 3 लोगों के गेस्ट को भी इनवाइट किया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए इसमें आप दिखाई पड़ेगा आपको, इसमें देख रहे हैं गुजरात से नीरज, और बिहार से पूजा मदेशिया, और उत्तर प्रदेश से खान सोनी, ये योग के जानकार लोग थे। इनका अलग अलग कॉन्सेप्ट था कि डायबिटीज में हम ऐसा क्या कुछ करें, लाइफ स्टाइल और योग को लेकर के हमने इनको इनवाइट किया था। नेक्स्ट, ये जो आप अभी कल परसों आपने किया है ENT की ओर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसको आगे चल के भविष्य में हम इसको आगे ठीक करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए, ये कुछ तो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ हमारे, एक हमारे क्लासमेट रह चुके हैं आपके लखोलित यूनिवर्सिटी गुजरात का है। नेक्स्ट स्लाइड, ये जैसा कि भैया ने कहा था, PHL का है ये, यहाँ पर HHM
होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के वर्कशॉप होता है, और जब जब वर्कशॉप होता है तो ये टीम हमको हमेशा बुलाती है। ऐसे ही डायबिटीज मैनेजमेंट वर्कशॉप था यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड, ये जिस हॉस्पिटल में हम जॉब करते थे ये वहाँ के लोग हैं, वहाँ के डेली प्रैक्टिशनर्स हैं, और बीच में हमारे साथ में एक आर ए है, रिसर्च एसोसिएट है, और मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ साथ में। नेक्स्ट स्लाइड, अब हम बात करेंगे डायबिटीज को लेकर के। चलिए इनमें से आप फर्स्ट बना दीजिए, चलिए बात करते हैं। देखिए आपको पता होगा कि शरीर में, पूरे शरीर में भी हम बात करें, यदि कहीं घाव हो जाए तो घाव सबसे पहले किस शरीर का घाव सबसे पहले सूखता है बताइए आप, ठीक किस घाव का होता है, कौन से शरीर का घाव, शरीर के कौन से अंग का घाव सबसे पहले ठीक होता है, मैं बताऊं आपको, पूरे शरीर में कहीं पर भी यदि घाव हो जाए, डॉक्टर रुद्रा प्लीज स्लाइड हटा दीजिए, कहीं पर भी यदि घाव हो जाए तो सबसे पहले यदि सूखने का जो कोई काम करता है, यदि आपके हाथ में घाव हो जाए, यदि आपके पैर में घाव हो जाए, यदि आपके सिर में घाव हो जाए, किसी भी अंग में घाव हो जाए, सबसे पहले जो सूखने वाला अंग है वो है जीभ। जीभ में जब कोई घाव हो जाता है तो सबसे कम टाइम लेता है, कम से कम ड्यूरेशन लेता है ठीक होने में। लेकिन जीभ के द्वारा किसी को घाव दिया जाए, इसी जीभ के द्वारा किसी को घाव दे दिया जाए तो वो घाव जिंदगी भर नहीं भरता है, कॉन्शियस सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस भी रखा रह जाता है। ठीक इसी प्रकार इसी जीव से आदमी अपनी खाने के लत से, बार बार खाने की लत से अपनी कब्र खोदता है। हमें आप सभी को अपने खाने की लत को कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आप डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे, और सरकार, डॉक्टर, आपके परिवार के सदस्य आप पर खाने पर संयम लगा देंगे, आपको मिठाई नहीं खाना है, आपको चावल नहीं खाना है, आपको केला नहीं खाना है, बचा क्या, आपको आलू नहीं खाना है तो बचा क्या, आप तो संत हो गए। योग हमें सिखाता है सब कुछ खाने की कला, यदि आप नियमित योग करेंगे तो आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन आपके लाइफ स्टाइल में योग होना चाहिए। एक व्यक्ति खाता है और एक व्यक्ति है विचार करके खाता है। आप कितने बड़े पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, ज्ञाता हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन यदि आपको खाने की जानकारी नहीं है तो आपको बहुत कुछ नहीं आता है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए खाने की जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग हैं जो बगैर खाए मर गए। आप देखते होंगे ज्यादा खाके लोग अक्सर मरते हैं, खाना नहीं मिला ऐसे लोग कम मरते हैं, ज्यादा खाके लोग अक्सर मरे हुए देखे पाए गए हैं, ऐसा डाटा है। तो हमें, हमारी और आपकी डाइट प्लान क्या होनी चाहिए, हमारा आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारा आपका योग कैसा होना चाहिए, जिससे हम डायबिटीज को मैनेजमेंट कर सके। डॉक्टर रुद्रा सर प्लीज स्लाइड लगा दीजिए आप, हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि यदि हम चाहें तो अपनी शुगर लेवल को औसतन लाके मेंटेन कर सकते हैं। उसका तरीका है आपको तीनों और चारों ओर से नट बोल्ट को कसना पड़ेगा, आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपका योग और आपका थिंकिंग प्रोसेस। सबसे पहले तो यदि आप तीन चीज आपके दिनचर्या में दिखाई पड़ता है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है, यदि आप रात में सोने के बाद टू टाइम्स, दो बार से ज्यादा यूरिन के लिए उठते हैं, विचारणीय है, आपको विचार करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बात है, दो बार क्यों जा रहे हैं, या तो आप दो बार यूरिन के लिए जा रहे हैं या तो आप
किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है या होने वाले हैं। हमारा बॉडी कुछ सिम्टम देता है। दूसरा पॉइंट, जब आप फ्रेश होने के लिए बैठते हैं, मैं इंडियन कल्चर के टॉयलेट की बात कर रहा हूँ, जब आप फ्रेश होने के लिए बैठते हैं, कुछ लोग दीवार का सहारा लेते हैं तब बैठते हैं, कुछ लोग बैठ तो जाते हैं लेकिन जब उठते हैं तब फिर दीवार का सहारा लेके फिर उठते हैं। ये यदि सिम्टम भी आपके अंदर दिखता है तो ये बताता है कि या तो आपके अंदर समस्या कुछ है या होने वाली है। और लास्ट पॉइंट है, जब आप बेड पे सोने के लिए जाते हैं तब आप कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी बात जो हफ्ते भर से आपके माइंड में घूम रही है, कोई बात यदि चिंता को ना लेकर के चिंतन के तहत देखा जाए तो उसके प्रोडक्टिव रिजल्ट आते हैं, लेकिन आप किसी बात को लेकर बार बार उधेड़ बुन करेंगे आप तो चिंता स्ट्रेस से आपके ब्रेन में, आपके हार्मोन में डिफ्रेंशिएशन होता है, जिसके कारण कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन सेक्रेट होता है। और ये बात हमको आपको सबको मालूम है कि मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है थॉट, जो कि आप रात में सोने के बाद आप बहुत उधेड़ बुन करते हैं। जब ये उधेड़ बुन करते हैं आप, सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। ठीक उसके बिगड़ने के कारण आप हफ्ते भर सोचेंगे, दो हफ्ते सोचेंगे, एक महीने सोचेंगे, दो महीने सोचेंगे, दैट मीन्स न्यूरोटिक लेवल। और जब न्यूरोटिक लेवल होता है तो न्यूरोटिक में क्या होता है, कई बार क्या होता है लोगों को न्यूरोटिक स्टेज से ही साइकोसोमेटिक आ जाता है, मतलब मन से शरीर पे आ जाता है, और कुछ लोग को न्यूरोटिक क्रॉस करके साइकोसोमेटिक चला जाता है, न्यूरोटिक फिर साइकोटिक। जब कोई चीज न्यूरोटिक लेवल से 6 महीना क्रॉस कर जाता है तो साइकोटिक मूड ले लेता है। तो ये जो चीज, तीन चीजें, तीन मतलब मैंने आपको बताई, ये तीन लक्षण, यदि ऐसे लक्षण आपके अंदर दिखाई पड़ते हैं तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा। अलर्ट ये होना पड़ेगा कि आपको अपना जो चारों नट बोल्ट मैंने आपको बताया, नट बोल्ट ठीक करने पड़ेंगे, कसने पड़ेंगे। कसने का तरीका आपको आज मैं बताऊंगा। ये थी मेरी भूमिका। अब मैं बात करता हूं डायबिटीज ना हो इसके लिए हम क्या करें। सबसे पहला, आप बगैर कड़ी भूख लगे ना खाइए, बगैर कड़ी भूख लगे बिल्कुल ना खाइए। दूसरी बात, जो बार बार खाने की आदत है ना, इसको बंद करिए। आपको कुछ भी अंड बंड, जो भी मतलब टेस्टी, जीभ को अच्छा लगने वाला खाने का मन है, उसको सुबह खाइए। आप सुबह आप इतना खाएंगे चलेगा, शाम को थोड़ा, दोपहर में आप इतना खाएंगे चलेगा, और रात में इतना खाइए या ना खाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो अपने आप स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे आप। लोग क्या करते हैं, दिन में सुबह इतना खा लिए, दोपहर में इतना खा लिए, और रात में इतना खा लिए। यही है प्रकृति, यही है नेचर। जब आप प्रकृति के हिसाब से नहीं चलते हैं तो प्रकृति आपको विकृति देती है। और जब भी आप खाना खाएं तो सबको मालूम है कि चबा चबा के खाएं, तो आप चबा चबा के खाते हैं तो अच्छे तरीके से दांतों का काम दांत कर लेते हैं, दांतों का काम आपको नहीं करना पड़ता है। जब आप अच्छे से चबाएं तो उसमें समय लगेगा, तब आप भोजनालय के लिए 20 मिनट देंगे। जब आप भोजनालय के लिए 20 मिनट देंगे तो शौचालय में 2 मिनट ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ लोग उल्टा करते हैं, लोग भोजनालय में 2 मिनट देते हैं और शौचालय में 20 मिनट देते हैं। प्रकृति क्या कहती है, प्रकृति कहती है 20 मिनट भोजनालय, 2 मिनट शौचालय। जनरली लोग क्या करते हैं, 2 मिनट भोजनालय, 20 मिनट शौचालय, बैठे रहते हैं। अब तो नए नए ट्रेंड आ गया है, अलग अलग उपाय हैं, कुछ लोग करते हैं। ये पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। और खाने में सबसे अच्छा चीज जो चेंज करना है आपको, आप जो रोटी खाते हैं उस रोटी के पैटर्न को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप गेहूं बनाएं, उस गेहूं को जब आटा पिसाने जाएं, तो उसमें आप, जैसे मान लीजिए आप 5 किलो गेहूं है, तो 5 किलो गेहूं में लगभग कह सकते हैं कि 100 ग्राम 250 ग्राम आप शुद्ध साफ सुथरा मेथी, आधा किलो जौ, आधा किलो चना, ऐसे जो ग्रेनरीज हैं जो अच्छी हैं, प्रोडक्टिव हैं, उनको मिलाइए आप। थोड़ी बहुत हींग हो गया,
ये सारी चीजें क्या होती हैं, जो आप पैकेट वाले आटा खाते हैं, पैकेट वाले आटा को सही रखने के लिए आप सोचिए, जब शुद्ध आटा आप अपने डब्बी में रखते हैं, एक हफ्ते बाद देखते हैं उसमें आप ऑटोमेटिक कीड़ा आ जाता है, जितना जितना नहीं रहता है आता है, तो सोचिए जो पैकेट में आता है वो क्या ऐसे है, नहीं, उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल डाले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो क्वालिटी होती है आटे की वो सुधरी जाती है, और आटा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जितना ज्यादा पिसा स्वाद रहेगा उतना ज्यादा नुकसानदेह है, आटा दरदरा होना चाहिए, आटे में कम से कम मेथी हो, चना हो, जौ हो, थोड़ा सा हींग मिला हो, इन सब चीजों को मिक्स करके आप आटा बनाइए, और इसका रोटी खाइए आप। मैं बात कर लिया रोटी का, अब हम बात करते हैं चावल की। जो जिनकी इच्छा बहुत रहती है चावल खा ले, वो लोग क्या करें, उनको आप टेस्टी अच्छा दो तीन प्रकार की सब्जियां भी सकते, उनको दलिया दीजिए आप, दलिया इन द सेंस जो गेहूं का दरदरा हिस्सा होता है, दरदरे रूप में बनाते हैं उसको, उसमें आप थोड़ा सा लौकी, थोड़ा सा पत्ता गोभी, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा मूली, ऐसी चीजें मिला करके सॉस बनाइए और थोड़ा सा टेस्टी कर दीजिए आप, तो उनको अच्छा लगेगा। यदि खाने में इन चीज़ों को ठीक करते हैं आप, तो निश्चित है कि आपका शुगर लेवल हमेशा हमेशा के लिए मेंटेन रहेगा। और साथ में क्या करना है आपको, करना है आपको तकरीबन 2 किलोमीटर डेली वॉक करिए, 2 किलोमीटर डेली वॉक करिए। डायबिटीज के ऊपर हमेशा और हमेशा कैलोरी थेरेपी चलती है, यदि आपने जितना खाया है उतना वर्कआउट नहीं किया तो दिक्कत होगा फिर, इसलिए आप देखे होंगे डायबिटीज जितनी भी दवाइयाँ होती हैं खाना खाने से पहले लिया जाता है, क्यों, जो खाया गया है उसको पचाने के लिए, नदी में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन डालना पड़ता है अपने आप को, नहीं करेंगे तो मैनेज नहीं होगा, इसलिए कैलोरी का सिद्धांत डायबिटीज के ऊपर बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए 2 किलोमीटर पर डे चलने का अभ्यास करें, डाइट को ठीक करें, और सबसे खास बात, सबसे अहम बात, यदि आपके आसपास में घर में कच्चा मेथी का साग मिल जाए, कच्चा मेथी का साग मिल जाए तो उस साग का नियमित प्रयोग करिए। साग नहीं मिलता है, कई बार लोगों को नहीं मिल पाता है, साग नहीं मिल पाता है तो आप मेथी को रात में 1 चम्मच 2 चम्मच जैसी आपकी क्षमता है, हालांकि 1 चम्मच पर्याप्त है, क्षमता की बात नहीं होती है, 1 चम्मच पर्याप्त है, उसको आप रख दीजिए भिगोने के लिए, और भिगोने के बाद खाली पेट सुबह आप चबाइए। ये जितना दिखने में सरल लगता है उतना प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली है, इसका रिजल्ट बहुत ऊपर बहुत लोग चीज़ों के ऊपर देखा गया है, और यदि आप इसका करते हैं तो इससे हमारे जो पैंक्रियाज होते हैं, पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं उनसे इंसुलिन निकालने की जो क्षमता होती है उसको धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ता है, ऐसा करेंगे साथ में। और कुछ मैं आपको यहाँ से योग बना देता हूँ, उस योग को आपको नियमित करना है, सभी लोग अपनी जगह से उठ जाइए और पीछे आ जाइए मैट लेकर के, हम आपको कुछ योग बताएंगे जो कि खास है। सभी लोग उठ जाए और योग करने के लिए तैयार हो जाए। थोड़ा सा हम लोग बॉडी को मोबिलाइज कर दे, दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए, दोनों हाथों को धीरे धीरे चला लीजिए, 1 2 3 4 5 अपोजिट करिए, 5 4 3 2 1 दोनों हाथों पर करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलीज रिलैक्स। हम लोग पहला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है अर्ध मत्स्येन्द्रासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन। सभी लोग दोनों पैरों को सीधा करिए, ऐसे हट जाइए, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए,
अपने बाएं पैर को फोल्ड करिए, बाएं पैर को फोल्ड करके नीचे लाइए, नीचे से लाइए, क्या उठाइए हाथ से, आपको दिख रहा होगा, देखिए ये पैर फोल्ड किया नीचे, इस पैर को उठाइए, इसकी क्रॉस करिए, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ क्रॉस करिए, हाँ क्रॉस करिए, इस हाथ को उठाइए आप, श्वास लीजिए पहले, और श्वास छोड़ करके उसको क्रॉस करना है, रिलैक्स, अच्छा दूसरी तरफ से करिए, सीधा करिए, ट्विस्ट करिए, रिलीज, रिलैक्स। इसका एक ऑप्शन और भी है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है आप लोग के लिए, इसको सरल ढंग से कैसे करेंगे इसको सीखिए आप, कृपया सीधा करिए, अपने दाहिने पैर को उठाइए, पैर को उठा करके इस पैर के साइड रखिए आप, रखिए इस हाथ को उठाइए, क्रॉस करिए और यहां पकड़िए, पीछे हाथ तक बोले लीजिए, गर्दन को ट्विस्ट करिए और ट्विस्ट करिए, होल्ड करिए, 5 4 3 2 1 प्लीज रिलैक्स। इसी को दूसरे पैर से करेंगे, दोनों हाथों पीछे रखिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए, अगला अभ्यास को बता रहे हैं, इसका नाम है मंडूकासन, ये डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा चर्चित आसन है, एक बार आप लोग हमारे साथ करेंगे, सभी लोग आ जाइए वज्रासन में, आ जाइए सभी लोग, वज्रासन में आ जाइए, दोनों हाथों को ऐसे लॉक करिए, यहाँ रखिए, इसमें कहीं कहीं कुछ लोग सिर्फ मुट्ठी बनाते हैं, आप मुट्ठी बना सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्ट लगे, चलिए मुट्ठी बना लेते हैं, नाड़ी के ठीक नीचे, नेबर रीजन के ठीक नीचे रखना है, पहले कमर सीधा करिए आप, सांस लीजिए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, फिर एक बार और श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए मुख से श्वास छोड़िए, सामने की तरफ झुकिए, फाइव 4 3
one. Response to you. लंबा गहरा सांस लीजिए। मैं आपको बीच में लेक्चर में एक बात बताया था कि जिस बच्चे का जन्म के कुछ साल पहले यदि माँ को डायबिटीज था तो बहुत चांसेस रहते हैं बच्चे को होने की। जब ऐसा बच्चा 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 12 साल का होने लगे उस बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा चंचल, ज्यादा से ज्यादा डायनेमिक, ज्यादा से ज्यादा स्पोर्टिव और एक्टिव बनाइए उसको। यदि आप ऐसा करेंगे कुछ चीजें यदि जेनेटिकली उसके पैंक्रियाज में ऐसी कमियां हैं तो वो ऑटोमेटिक चली जाती हैं। उसको नियमित मंडूकासन कराया जाए, उसको स्पोर्ट्स के ग्राउंड में लाया जाए, ज्यादा दौड़ाया जाए, चंचल बनाया जाए, सुस्त ना बनाया जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार डायबिटिक माँ के बेटे को भी डायबिटिक होता है और सिर्फ कारण बनता है माँ का डायबिटिक होना। ऐसे बहुत केसेस देखे गए हैं। हमने अब तक मैं पिछले 2014 से मैं काम कर रहा हूँ डायबिटीज के फील्ड में, अब तक 1200 से भी ज़्यादा डायबिटीज के केसेस पर हमने काम किया है। ये केसेस भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। उस केस में न तो बच्चे की गलती होती है न तो माँ की गलती होती है, लेकिन यदि परिवार के सदस्य चाहें तो उस बच्चे को एक अच्छा संतान, एक अच्छा सदस्य स्वस्थ व्यक्ति बना सकते हैं। बस आपको जरूरत है मोटिवेट करने की, उसको ऐसे शिक्षा में ढालने की कि वो स्पोर्टिव बने, चंचल बने, एक्टिव रहे, डायनेमिक रहे, ताकि हाइड्रेटिकली है उसके ऊपर काम ना हो, उसके ऊपर हावी ना हो। उसको भी, उस बच्चे को भी ये वाला आसन खूब करवाना है। एक बार और करेंगे हम लोग, लंबा सांस लीजिए, सांस लीजिए, पूरा सांस छोड़। याद रखिए गुजरात में ज्यादा पाया जाता है, लोग दाल में भी चीनी खाते हैं, याद रखिए। लेकिन एक बात अच्छी बात है कि गुजरात में लोग योग के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हैं, स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हैं, नियमित लोग योग करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है गुजरात के लिए। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकिए, फोर थ्री टू वन। रिलीज, रिलैक्स, दोनों पैर खोल लीजिए, दोनों पैरों को लगा लीजिए। यदि हम बात करें कि आदमी कितनी बार खाना खाना चाहिए, तो जितनी बार वो पाई खा रहा है उतनी बार वो खाना खाए। योग में, योग सिद्धांतों में और स्वास्थ्य के अंतर्गत ये बातें कही जाती हैं कि जितनी बार खाना उतनी बार पाई खाना। असल में आपको कड़ी भूख आप महसूस करेंगे, विचार करेंगे, देखेंगे, फील करेंगे, तो देखेंगे आप जब जब आप फ्रेश होकर आते हैं तब तक आपको कड़ी भूख लगती है। लेकिन लोग बाहर क्यों खाता है? अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, अपने आप को चिंता मुक्त करने के लिए, दिखाने के लिए, बगैर भूख के खाता है। जब जब आपका मन करे खाए कि ना खाए, यहां बोलिए नहीं खाएं। जब भी आपका मन करे सोच के लिए जाए कि ना जाए, तो बिल्कुल जाए, क्योंकि धारणीय और आधारणीय वेग होता है। छींक, पेशाब, शौच, वीर्य ऐसे आधारणीय वेग होते हैं जिनको नहीं रोकना चाहिए। आधार नहीं रोकना चाहिए, पेशाब नहीं रोकना चाहिए, आने वाले शौच के संसर्ग नहीं रोकना चाहिए, शौच नहीं रोकना चाहिए, आने वाले छींक को नहीं रोकना चाहिए, निकलने वाले वीर को नहीं रोकना चाहिए। ऐसे 13 प्रकार की चीजें हैं, इनको नहीं रोकना चाहिए।
जब सोच के लिए कभी सेंसेशन आए कि जाएं कि ना जाएं, कई बार ऐसा होता है बिल्कुल जाएं, नहीं भी तो भी जाएं, क्योंकि आप नहीं जाएंगे तो थोड़े देर बाद वही सेंसेशन शांत हो जाएगा और वही जो आपके खाने को बल बनाता है वही चीज आपको मल बना देगा। लंबा गहरा सांस लीजिए, एक अभ्यास और है जो आप पहले कर चुके हैं, मैं आपको नाम से ही बता दे रहा हूं। नियमित अभ्यास शुरू कराया करिए, किंग और क्वीन का अभ्यास, किंग और क्वीन का अभ्यास कराएंगे। कितनी कितनी बार कराएंगे? ज्यादा नहीं करवाना है, सिर्फ 12 बार किंग करवाइए और 12 बार क्वीन अभ्यास कराइए। कई बार कुछ पेशेंट में ऐसा चीज देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा सूखता चला जाता है। ऐसे कंडीशन में उसको एक बहुत अच्छे डाइटिशियन की जरूरत है। डाइट पर हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे आज, बट कई डायबिटिक पेशेंट ऐसे देखे गए हैं कि वो खा रहे बट उनके शरीर में लग नहीं रहा है। और तो और कई ऐसे पेशेंट भी देखे गए हैं जिनके अंदर सेक्सुअल पावर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए उनका खान पीन क्या होना चाहिए ये अलग विषय होता है। फिर भी यदि ऐसे लोग की समस्या है तो अपने लाइफ स्टाइल को ठीक बना के रखें, खाने को ले करके एक अच्छे डाइट प्लान लेकर के अपने को डाइट के अकॉर्डिंग डाइट बनाएं। और जब भी आप खाना खाएं तो एक शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक थ्योरी आती है, इसको बोलते हैं फूड क्लासिफाई थ्योरी। इसमें क्या करना पड़ता है, बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए आप लती व्यक्ति है, मान लीजिए आप जो है लत से परेशान है, आपका बार बार खाने की आदत है, आप नहीं मना पाते, तो यहाँ पर काम करता है फूड क्लासिफाई थ्योरी। कैसे करेंगे इसको, इससे पहले हम लास्ट अभ्यास कर लें कपालभाति। सभी लोग एक पैर को ऊपर रख लीजिए, दूसरे पैर को भी ऊपर रख लीजिए, लगाइए पद्मासन लगा लीजिए, दोनों हाथ ऐसे करिए, दोनों हाथ घुटने पर रखिए। और जिसका ये नहीं हो पा रहा है वो लोग सिर्फ एक पैर रख लीजिए, जिसका नहीं हो पा रहा सिर्फ एक पैर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ऐसे कर लीजिए, दोनों हाथ सीधा रखिए, देखा मैंने मेरा हाथ देख रहे सीधा है, बिल्कुल सीधा है, और इसको भी सीधा रखिए, ये आप पीड़ देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा रखिए, ऐसे हाँ सीधा रखिए। लंबा गहरा सांस लीजिए, कपालभाति का भी अभ्यास नियमित करना है। चलिए हम लोग कपालभाति करेंगे अभ्यास। इसे सांस लीजिए, स्टार्ट करिए, दोनों हाथ सीधे, याद रखिए हाथ के सीधे हो। कुछ लोग ऐसे करते हैं, जो कोई व्यक्ति आपको कपालभाति ऐसा करता दिख जाए उसको पटाख से टोकिए आप। जो कोई व्यक्ति आपको कपालभाति प्राणायाम कहता है उसको पटाख से टोकिए आप। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, धोती बस्ती नेति नौली त्राटक कपालभाति, दैट मीन्स क्रिया है, क्लेंजिंग है ये। कुछ लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं भाई, कपालभाति प्राणायाम हो ही नहीं सकता है, कपालभाति क्लेंजिंग है। हाथ कैसे इंटरलॉक करना है, स्ट्रेट करिए, ये सीधा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप ये रूप बनता है, फिर बहुत अच्छे से स्टॉक बनता है कपालभाति का। स्टार्ट करिए, सांस लीजिए, स्टार्ट करिए, लेडीज रिलैक्स। अंतिम बार लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे सांस छोड़िए, पुनः एक बार करेंगे हम लोग, सांस लीजिए, अंतिम बार करेंगे कपालभाति। रिलीज रिलैक्स। यदि आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है और आपको यही नहीं मालूम है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, खाने के बारे में जानकारी भी नहीं है, तो उस बच्चे की पढ़ाई ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग नहीं। ऐसे लोगों को आने वाले समय में
आधा इंच से भी हो जाएगा। ए फॉर अपेंडिक्स, बी फॉर ब्लड प्रेशर, सी फॉर कैंसर, डी फॉर डायबिटीज। तो ऐसी स्थिति ना आए इसलिए हमारे आपके अध्ययन में ऐसी चीजें जुड़नी चाहिए जिसमें हमें सिर्फ भौतिक फिजियोलॉजी सिर्फ फिजिकल वाली चीजें जो फिजिक्स वाली चीजें सिर्फ जानकारियां ना आए, वो चीजें अप्लाइड भी होनी चाहिए। आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये चीज हमारे खाने लायक है या नहीं, ये चीज हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। यदि ऐसी चीज भी आपके बच्चे पढ़ते हैं ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए, इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाए। बाकी फिजिक्स की चीजें मैथ की चीजें जो कि ये सिर्फ एक जानकारी है, सिर्फ एक डाटा है, हमें जानकारी रखना है उन चीजों का जो एप्लीकेबल हो, जो जिनका उपयोगिता दिख जाए। साइन थीटा कॉस थीटा का बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं होती, लेकिन आप ये जाने भाई केला से उससे पोटेशियम मिलता है, उसमें हमें जिंक मिलता है, ये अलग जानकारी थोड़ा आपके लिए उपयोगी है। यदि हम मेथी खाते हैं तो हमको ये फायदा होता है, ये हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा अप्लाइड है। ठीक, इसीलिए हमारे पास जानकारियां वाली जो चीजें हैं हमें ऐसी चीज भी गेन करनी चाहिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जिसको मैंने बहुत लोगों पर अप्लाई किया है, कुछ आपके घरेलू में पाए जाने वाली चीजें हैं, ऐसी पांच चीजों का कॉम्बिनेशन करके आप एक रस बनाएंगे और उस रस को अपने ऊपर अप्लाई करिए, जो लोग डायबिटिक हैं उनके ऊपर अप्लाई करिए और देखिए यदि उनका शुगर लेवल मैनेज हो जाता है तो उनको बोलिए वो एलोपैथी दवाइयाँ मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा डॉक्टर की गाइडेंस में छोड़ने का प्रयास करें। यदि जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ यदि उससे कंट्रोल हो जा रहा है, मैनेज हो जा रहा है, तो पहली बात पांच चीजें हैं जैसे पहला बात आता है, पांच चीजें आती हैं, पांच पत्ती शरीफे का, पांच पत्ता याद रखिए, पांच शरीफे का पत्ता, तीन पत्ता बेलपत्र, तीन पत्ता बिलपत्र, तीन पत्ता पीपल का पत्ता, पीपल का तीन पत्ता, और मौसमी समझते हैं मौसमी, मौसमी का जो छिलका होता है, मौसमी का जो छिलका होता है उसका वजन हाँ मतलब चौथाई का एक हिस्सा, जैसे मान लीजिए ये मौसमी है तो मौसमी के छिलके को उसके छिलके का जो पार्ट है उसका वन एंड हाफ मतलब एक चौथाई हिस्सा छिलके को लेना है। और इसके साथ में यदि कहीं तुलसी मिल जाए उसको भी तीन पत्ता ले लेना है। इन सब को आप मिक्स कर लेंगे चाहे मिक्सी में और चाहे सिर पे आप पीस लीजिए, और पीसने के बाद इसको किसी चीज में गार करके निचोड़ करके चम्मच से खाली पेट पीजिए आप। फिर आप देखिए कि आप बगैर ग्लासिन खाए, बगैर ग्लाइकोजिन खाए, बगैर दवाई खाए आपका शुगर लेवल मेंटेन था या नहीं, ये चीज आपको जज करना होगा। यदि ये चीज आपको सूट कर जाती है आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ये एक ऐसी आयुर्वेद की ऐसी चीज है बहुत 90% देखा गया है कि सूट कर गया उसको बहुत फायदा किया। आपको ये चीज जज करना पड़ेगा। अगेन रिपीट, पांच पत्ता शरीफे का, शरीफा नाम है, सेंस कह सकते हैं कि हमारे यहाँ शरीफा, मुझे नाम उसका शरीफा ही पता है, सीताफल भी बोलते हैं उसको लोग, कुछ लोग उसको सीताफल भी बोलते हैं, शरीफे का, हाँ सीताफल बोलते हैं शायद, सीताफल, ठीक है ना। पांच पत्ता शरीफे का, तीन पत्ता पीपल का, तीन पत्ता बेलपत्र और तीन पत्ता तुलसी, और साथ में एक चौथाई मौसमी का छिलका, इन सभी को आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको तीनों को पीस लेना है। इन सब चीजों को पीस करके आपको मुश्किल से इतना रस निकलेगा, इसमें पानी नहीं मिलाना है, आपको पानी नहीं मिलाना है, सिंपल पीस लेना है और अच्छे से गारेंगे तो आपको एक चम्मच या दो चम्मच इसमें रस निकलेगा। इसको आप खाली पेट पीने का प्रयास करें। जो लोग डायबिटिक हैं सिर्फ उन्हीं बता रहा हूं, उनको पीने को बोलिए, और यदि वो एलोपैथी दवा खा रहे हैं तो पी के छोड़े, इससे क्या करें, लर्न करें, असेसमेंट करें, अपने आप को जांचे परखे, फील करें कि कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
90% उनका शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा और धीरे धीरे जो दवाइयाँ खा रहे हैं खाना कम हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं भी हो पा रहा है आपको एलोपैथी से डायरेक्ट आयुर्वेदा पे आना चाहिए, योगा पे आना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कितने दिन तक बहुत सवाल है कितने दिन तक। हाँ देखिए ये चीज़ें मैंने आपको ये नहीं कहा है, मैंने कहा है लाइफ स्टाइल की जो समस्याएँ होती हैं वो डिसऑर्डर हैं। आप डिसऑर्डर को जब ऑर्डर में लाएंगे, मैंने बात मैनेजमेंट की, मैंने क्योर की बात नहीं की है। मैनेज रहेगा आपका, आपको परेशानी नहीं होगी, आपको वीकनेस नहीं आएगा, आपको आलसी नहीं आएगा, आपका शरीर सूखेगा नहीं, सेक्सुअलिटी में कमी नहीं आएगी, ये चीज़ों में मैनेजमेंट होगा। डायबिटीज ऐसी चीज़ है जिसमें मैनेजमेंट किया सकता है, उसका क्योर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यदि 2.5 साल कम है, 2.5 साल पहले वाली सी कंडीशन है, निश्चित ही उसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन एक अच्छे मूवी थेरेपिस्ट हूँ उसके साथ में, गाइडेंस के साथ में उसको क्योर भी किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है इस चीज़ों को आप अप्लाई करिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित है कि आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर पाएंगे। तो मैंने आपको पत्ते वाली बात बताई है, इसको ठीक करिए और अपने घर के खाने वाले आटे को ठीक करिए, अपने खाने वाले चावल को ठीक करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित है कि आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर रुद्रा। ओके तो आपका जो क्रियात्मक सेशन है ये 4 बजे तक पहुंच गया है, इसमें डिलीवरेशन भी अच्छी हुई है, प्रैक्टिकल सेशन था तथापि डाइट की और कई सारे होम रेमेडी की बात डॉक्टर ब्रजेश ने अपने अनुभव के हिसाब से साझेदारी करी है। तो ये जो होम रेमेडी और अनुभूत नुस्खे होते हैं बड़े काम के होते हैं, हार्मलेस होते हैं। That is really good information. And diabetes is one of the most intense and widely prevalent health problem everywhere. So that's a good session, especially the diabetes mellitus and its prevention and management. साथ साथ में मैं आपको सलाह दूंगा कपालभाति की अभ्यास और प्राणायाम के अभ्यास में, इसमें आपको अनुलोम विलोम उज्जायी का अभ्यास बड़ा कारगर है। डायबिटीज के लोगों के साथ तनाव भी एक बना रहता है, कई लोगों को तो डायबिटीज तनाव की वजह से भी होता है। डायबिटीज एक तरह की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, हालांकि डॉक्टर ब्रजेश ने यह बताया कि इंसुलिन कम बनने से टाइप 2 डायबिटीज होता है, लेकिन सत्यता यह है कि इंसुलिन कम बनने से ज्यादा इंसुलिन जो को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर होते हैं सेल में, उनके माल फंक्शन से टाइप 2 डायबिटीज होता है। इंसुलिन बनने पे बीटा सेल काम भी करें, इंसुलिन बनता रहे, बट यू नो द इंसुलिन रिसेप्टर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो ऐसी स्थिति में टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो हमें सेलुलर फंक्शन को भी सही करना होता है और पैंक्रियाज के फंक्शन को भी सही करना होता है। तो डायबिटीज एक तरह की मनोदैहिक समस्या है, तो योग चिकित्सा में आपको मानसिक प्राणिक शारीरिक और इसी तरह से डाइट्री सभी चीज को ध्यान देना होगा। आसन की कुछ अभ्यास उन्होंने बताया, इससे अतिरिक्त आपको जो डायबिटीज को स्पेसिफिक टारगेट करने वाले अभ्यास से इससे पहले ज्वाइंट लूजनिंग एक्सरसाइज करानी चाहिए। और डॉक्टर ब्रजेश ने जो आपको इससे पहले जो 12 स्टेप्स स्पाइन के करवाए थे वो भी डायबिटीज के लिए उतना ही कारगर है, क्योंकि डायबिटीज के साथ जब तक स्पाइनल अलाइनमेंट नहीं होता, टेंशन एंजाइटी इमोशनल डिस्ट्रेस की चीज़ें मैनेज नहीं होती, तब तक मेटाबॉलिक फंक्शन सही नहीं होता। आपको अगर इंडोक्राइन फंक्शन के बारे में पता होगा तो पता होगा, डॉक्टर ब्रजेश ने स्लाइटली हिंट भी किया था, हमारी मन की स्थिति हाइपोथैलेमस की फंक्शन को गवर्न करती है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की सिक्रीशन को प्रभावित करता है और HPA एक्सिस पूरा का पूरा इंडोक्राइन एक्सिस को प्रभावित करता है। So let us try to normalize the mental tension, emotional stress, distress and all these things by practicing the spinal series too. Again, that is very good practice. Aur spinal alignment ki jo abhyas hai keval spine tak simit nahi hai, wo abdomen aur pelvic cavity ke organs ko bhi massage deta hai aur uske health aur efficiency ko badhane ke liye bhi acha hai. और डाइट में डॉक्टर ब्रजेश ने आपको कुछ व्यावहारिक चीजें बताई है, तो जो डायबिटीज के मरीज है उसको ग्रेन में अधिक तरह होलसम फूड लेना चाहिए, ओट्स
ओट मील इज बेस्ट, ये चीज आप नोट कर लेना। और इसी तरह से स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉबेरी कच्चा खाना या उसका जूस पीना डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। इंडियन कंटेस्ट में जामुन डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है, उसकी गुठली की चूर्ण भी बनती है, ये डायबिटीज के मरीज को लेना चाहिए। और इस तरह से मैं आपको बताऊं तो डायबिटीज के मरीज को पॉरिज के रूप में ओटमील लेना चाहिए, एक एप्पल उसको खा लेना चाहिए, और आधा कच्चा आधा पक्का बनाना, पका हुआ नहीं पूरा, मतलब कच्चा कच्चा टाइप का एक बनाना लेना चाहिए, बनाना से सेरोटोनिन मेकओवर होता है। और इसी तरह से उसको सलाद की मात्रा ज्यादा लेना चाहिए, ओमेगा थ्री फैटी एसिड को सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए। ओमेगा थ्री फैटी एसिड को सप्लाई करने का एक नेचुरल तरीका है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो यू कैन ट्राई सैलमन, टूना, मैकरल, दीज आर दी स्पीसीज ऑफ फिशेज। अब मैं आपको शाकाहार और मांसाहार की लकीर नहीं खींचूंगा, क्योंकि मैं भी बता दूंगा तो लोग अपनी आदत को इतने जल्दी छोड़ेंगे नहीं, तो मैं वो बताऊं जो मेडिकली जस्टिफाइड है। इफ यू वांट टू सप्लाई द ओमेगा 3 फैटी एसिड तो नॉन वेज में फिशेज आर बेस्ट ऑप्शन, फिशेज में मैकरल, टूना और सैलमन। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको रोज चिया सीड लेना चाहिए, 1 टीस्पून चिया सीड रोटी में डालिए या ऐसे ही लस्सी में डाल के खा लीजिए, शेक बना के खा लीजिए। और इसी तरह से एक तुक मलंगा होता है, तुक मलंगा पता नहीं गुजरात में उसको क्या कहते होंगे, पंसारी की दुकान में मिल जाता है, कोई तुक मलंगा को तुलसी की तकमरिया, सर तकमरिया, तकमरिया तकमरिया शायद तुलसी के बीज को आप कह रही है, नहीं सिया वो जो पानी में भिगोते और वो बीग हो जाता है, पानी में फूल जाता है। Exactly, और राइट, तकमरिया बोलते हैं गुजराती में हम उनको। बहुत अच्छा, तो ये रामदान के दिनों में रोजा में मुस्लिम भाई बहन लोग भी इसकी शरबत बना के यूज करते हैं, दैट इज द वेरी गुड नेचुरल सप्लीमेंट ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये आपको आटे में शरबत में डाल के खाना चाहिए। सर ओट्स में भी रोल कट अभी जो मिलते हैं वो खाने चाहिए या फिर स्टील कट आते हैं वो? मतलब ओट्स के मैं आपको पॉरिज की बात कर रहा हूँ, जो कॉमन ओट्स आती है, नॉर्मल जनरल ओट्स आती है। पर सर डाइट मतलब सफोला वगैरह की कई सारे मसाला से मसाले से आती है, कई फ्लेवर्स में पाई जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको प्लेन ओट्स की बात कर रहा हूँ, प्लेन ओट्स की पॉरिज की बात कर रहा हूँ। जी सर प्लेन ओट्स में समझ गई, बट वो एक मिनट सर, हाँ जी सर, वो रोल्ड कट जो आते हैं ना जो अभी मार्केट में प्लेन ओट्स मिलते हैं वो खाने चाहिए या स्टील कट जो नॉर्मल फॉर्म में आते हैं, क्योंकि सब लोग बोलते हैं डाइट वाले की रोल्ड कट जो होते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं, इसीलिए मैं तो नॉर्मल की बात करूंगा, जो छोटे कट होते आती है ना जैसे दलिया जैसा आता है। ओके, मैं उसको कह रहा हूँ, उसकी बात कर रहे हैं, मैं दलिया जैसे जो आती है, जी स्टील कट सर, हाँ स्टील कट उसकी बात कर रहा हूँ। ओके ओके, टोमेटो सूप इज अच्छा है, टोमेटो सॉस अच्छा नहीं है, टोमेटो सूप अच्छा है, नेचुरल टोमेटो का सूप आप जो बनाते हैं दैट इज गुड फॉर डायबिटीज, टोमेटो सॉस नहीं। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो डायबिटीज के व्यक्ति को 2 ग्राम विटामिन सी कम से कम लेना चाहिए, तो आई थिंक द नेचुरल आंवला, नींबू, लेमन, ये विटामिन सी के अच्छे सोर्स है। यू कैन ट्राई योगर्ट इन द डे आवर, दही उसको दिन में देना चाहिए, छाछ देनी चाहिए डायबिटीज के मरीज को। क्रोमियम डायबिटीज के मरीज को खूब चाहिए, तो यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग मल्टीविटामिन 2 ऑन रेगुलर बेसिस, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप मेडिकल से डिस्पेंसरी से मल्टीविटामिन लें जिसमें जिंक क्रोमियम हो तो आपको लेनी चाहिए। आई थिंक 200 mcg क्रोमियम की मात्रा डायबिटीज के मरीज को रोज लेना चाहिए। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि डिस्पेंसरी से आप थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट करके मल्टीविटामिन रोज ले लें तो कोई बुरा नहीं है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो हम एक चीज में फिक्स होना नहीं चाहते, थोड़ी सी हम इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट की बातें करेंगे, इन दिनों की रोग कुछ ऐसी है उनको खासी एक ही अप्रोच काम करता नहीं। तो और डायबिटीज के मरीज को क्या नहीं खानी चाहिए, उसको शुगर बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। शुगर की सप्लीमेंट में हमारे यहाँ एक स्टीविया प्लांट आता है, दैट इज एक्सेप्टेड गुड नेचुरल स्वीटनर, ये करनी चाहिए। और डायग्रीम का मरीज हो रसगुल्ले खाने की उसकी
एक मनोभाव हो तो बात बनेगी नहीं। उसको जीवन में जितना खा लिया उतने में संतोष करना पड़ेगा, आगे वो नहीं। एक बात यहाँ समझ में नहीं आती है कि कभी कोई मोटा आदमी पतला होने की बात करता है तो डाइटिशियन से और थेरेपिस्ट से आके यही बात करता है कि खाना क्या है, वो कभी ये बात नहीं है कि क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, उसको पतला भी होना है, डाइटिशियन कंट्रोल करना है, और बात हो जाती है हम लोगों से क्या खाना है, कभी ये भी बात हो कि क्या नहीं खाना है। और एक बात यह है कि हाँ, वो चिंता रहती है लोगों को, आदमी दुखों को ही ज्यादा फील करता है तो दुख को मिटाने के लिए सुखकारी चीज का याद करता रहता है। अगेन एक सिनामन की हाफ टीस्पून पाउडर अगर आप रोज खा लें तो दैट इज गुड, ये बहुत अच्छा होता है सिनामन। और मैंने क्रोमियम की बात आपको बता दी, और लास्ट बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर शारीरिक रूप से निठल्ला रहेगा, दही और जलेबी खाता रहेगा तो डायबिटीज का नहीं है, तो जो डायबिटीज का मरीज है उसको फिजिकली एक्टिव रहनी चाहिए, आधी घंटा वॉक करनी चाहिए, योग अभ्यास करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बाहर मूव नहीं कर सकता है तो आप उसको कैसे भी आपको फिजिकली उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो डायबिटीज साइकोसोमेटिक डिजीज है, हमें फिजिकल मेंटल डाइटरी इन्वायरमेंटल सारी चीज को इस तरह से मैनेज करनी पड़ेगी। आउट ऑफ कंटेस्ट ये विषय बाद में थोड़ी डिटेल और सिस्टमेटिक चर्चा होनी है, आज आ गया है, डॉक्टर ब्रजेश ने सोचा होगा कि उनको लगा होगा कि डायबिटीज गुजरात में शायद ज्यादा ना हो, मुझे भी पता, मेरा एक फ्रेंड था उसका नाम भी लेता हूँ ज्वलंत भाई, एक साल हम DSB में साथ में रहे थे गुजरात का, वो खाया पिया बिल्कुल मोटा हष्ट पुष्ट था, और उसकी खान मीठा खाने की आदत, वो जो गुजरात के पापड़ टाइप के आती है घी के, तो कभी कभी हमें भी खिलाता था, तो गुजरात में खाने पीने की आदत थोड़ी अच्छी होती है, अच्छी बात है, खाना पीना अच्छा चाहिए, लेकिन खाने पीने को पचाने के लिए खाना बहुत अच्छा होता है करना चाहिए। तो आज का समय यहाँ पे खत्म हो गया है, तो हम आप ज्यादा आज प्राण धारणा की बात नहीं कर पाएंगे, शांति लोग कमर सिद्धि करके बैठ जाएं, और हमारे साथ मणि मन प्रवरम परमेश्वर से तीन शरीर की प्रार्थना को दोहराएं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृतोर्मा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। दोनों हथेली को मलिए, आपने आपको प्राण और ज्ञान से युक्त और जागृत महसूस करते हुए अपने हथेले के अंदर आँख को खोलिए। आप सभी को बहुत सारे धन्यवाद आपकी सजगता के लिए, आपकी जिज्ञासा के लिए। कल मिलेंगे नया जोश के साथ, नया होश के साथ, नई उम्मीद के साथ, और जिंदगी के नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। आप सभी को प्रणाम, आपका दिन शुभ हो, जीवन शुभ हो। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार।